हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो ना चुके आज की स्ट्रीम लेके, सेम टाइम सेम जगह। तो गाइस, बिना किसी देरी के, टूर्नामेंट गिरीश मैम क्या हुआ? हाँ, लाइट पर इशू कर रही हूँ, कर रही हूँ। हो गया हो गया। थैंक यू। हेलो, स्टार्ट कर लो तो। अरे पहले वो तो कर लो। अच्छा, रूम आईडी तो पासपोर्ट आप पहले स्टार्ट तो व्हाट्सएप करो। में डाल देना। नहीं मैम, नहीं मैम, ऑन स्ट्रीम क्या? ऑन स्ट्रीम डालना ना। तो आप इस आप लाइव हो या नहीं हो? तो आप लाइव आए हो या नहीं आए हो ये बताओ। आ गया, मेरे में तो अभी तक नहीं दिखा रहा है। मेरे में आ गया। चलो आ गया, चलो चलो आप, चलो आप ठीक है, बनाओ, हम आपके स्ट्रीम पे जाते हैं। अरे डुओ ब्रो, डुओ डुओ, क्रिएट रूम क्यों नहीं हो रहा? ओ, हाउ दिस पॉसिबल? I don't have a room card. है तो यहीं से यूज़ कर लें। डुओ लगा रहे हैं, डुओ डुओ डुओ। गाइस, रूम बन चुका है, आ जाओ। मैं अभी पिन कमेंट में डाल देती हूँ। पासवर्ड ए ए ए ए, पासवर्ड ए है। अभी आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी, एक सेकेंड रुक जाओ। सिक्स डबल थ्री सेवन टू सेवन एट, 633-7278 एंड एक सेकेंड।
क्या बोल रहे हैं, कब होगा स्टार्ट मैम? स्टार्ट जो होगा वो शार्प 9:15 पे स्टार्ट हो जाएगा। सोलो नहीं है, डुओ है। पासवर्ड आईडी मैंने पिन कमेंट में डाल दिया है। ओके आईडी पासवर्ड ब्रो मैंने पिन कमेंट में डाल दिया है। गौरव नायक ब्रो, सद्दाम अंसारी हेलो हेलो ब्रो कैसे हो? इनवाइट करूं? ओके ब्रोकन आओ आ जाओ, जो भी हैं उन सबको मैं इनवाइट कर लेती हूं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ सारे आ जाओ। ब्रोकन, जैक स्पैरो, ब्रोकन आ गए रूम में। ब्रोकन इन रूम। ओके स्पेक्टेट में ब्रोकन आ गए हैं। ओपी गाइस आ जाओ सारे, मैंने डाल दिया है लिंक। जैक स्पैरो ब्रो कहाँ रह गए? आर्मी एक्स गेमिंग मैम 9:20। ओके ब्रो ठीक है, ओके 9:20 पे स्टार्ट करेंगे। 9:20 शार्प 9:20 पे स्टार्ट कर लेते हैं। शार्प 9:20 पे हम स्टार्ट कर लेंगे रूम। आ जाओ गाइस। ओपी 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओके ये मिस्टर राज ब्रो ओपी गाइस थैंक्स फॉर वॉच माय स्ट्रीम। आ जाओ जल्दी फटाफट से, फिर स्टार्ट करते हैं रूम। अभी ओनली 14 बंदे आए हैं, 15 हो गए हैं गाइस। ओके ओके आ जाओ आ जाओ। 14 जैक स्पैरो डेंजर निकल गए। क्या बोल रहे हो ब्रो? मोहम्मद वसीम आपको रिक्वेस्ट भेजा है, ऐड कर लो प्लीज़। मोहम्मद वसीम मैं यहाँ से कैसे ऐड करूँ उनको? एक्सेप्ट हो सकते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट?
मोहम्मद वसीम, ओके ठीक है, एग्री, डन, एक्सेप्ट कर ली राज ब्रो। मोहम्मद वसीम की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है, आ जाओ आप, आ चुके हो आप भी, और ये मोहम्मद वसीम भी आ चुके हैं मेरी फ्रेंड लिस्ट में। शिवांश यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रूम में लूँ? ओके ब्रो, आप अलग अलग हो जाओ मिस्टर राज ब्रो, इंडिविजुअल हो जाए तब तभी मैं ले पाऊंगी। हाँ ठीक है, शार्क गेमर वाईटी ब्रो हेलो, कैसे हो? क्या पूछ रहे हो ब्रो आप? भाई आईडी पासवर्ड पिन किया हुआ है? हाँ जी आईडी पासवर्ड पिन किया हुआ है मैंने, आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हो, सॉरी चैट में देख सकते हो। हैशटैग वन को 200 का, हाँ हैशटैग वन में 200 का विनिंग प्राइज है, जो भी हैशटैग बनाएगा उसको 200 रुपीज़ मिलेंगे गाइज। जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज आपने 50 सब्सक्राइबर करा दिए, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉच माई स्ट्रीम गाइज, लाइक कर देना स्ट्रीम को। रॉकस्टार M762, ओके शिवांश के साथ में रॉकस्टार आए हैं। ये शिवांश इतने नीचे क्यों चले गए भाई? टीम नंबर 50 पे जाके बैठे हो, ऊपर आ जाओ थोड़ा सा। क्या पूछ रहे हैं मैम? टाइम क्या होगा? थैंक्स गौरव नायर, ओके ब्रो थैंक यू सो मच, मैं आपका थैंक्स करती हूँ। ये जो भी है जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, थैंक्स फॉर सॉर्ट आउट रॉकस्टार M762। टाइम 9:20 रहेगा। शार्प 9:20 हम स्टार्ट कर देंगे गाइज, सो बिना किसी देरी के आप आ जाओ। ओपी गौरव नायक ब्रो बोल रहे हैं डोंट वरी फुल होने वाले हैं आगे के रूम्स, अब यू स्ट्रीम गुड वी विल शेयर, ओके थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू सो मच। अगर गाइस आपका ऐसे ही सपोर्ट रहा तो ऐसे टूर्नामेंट कराते रहेंगे, वीक टू वीक कराएंगे या फिर आफ्टर 4 डेज 3 डेज के बाद कराते रहेंगे गाइस। अभी जस्ट बहुत छोटा सा टूर्नामेंट था जिससे कि थोड़ा अप्रिशिएट हो आप भी मैं भी, और थोड़ा मतलब इंक्रीज हो हमारी जो भी आप सपोर्ट कर रहे हैं और मैं गेम प्ले कर रही हूँ, तो उस चीज़ को लेके इसीलिए टूर्नामेंट ये किया है अभी, आगे और भी बड़ा करेंगे कोई इशू नहीं है। फ्री वाले रूम भी कराओ, ओके गौरव ब्रो जरूर कराएंगे,
बट ये है कि अभी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए चैनल अपना, थोड़ा पाथ पे आ जाए, उसके बाद कराएंगे ब्रो। गाइस बिना किसी देरी के फटाफट ज्वाइन हो जाओ रूम में, बिकॉज शार्प 9:20 हम स्टार्ट कर देंगे। मिस्टर राज ब्रो कहाँ चले गए, उनका टीममेट अकेला रह गया है मोहम्मद वसीम। वेट मैं बुलाता हूँ बंदे। ओके गौरव ब्रो बुला लो, नो इशू। शार गेमर वाइटी ब्रो वेलकम, वेलकम टू माय रूम। ओपी ओपी 31 प्लेयर्स इन रूम। ये नीचे जो ये है कुछ बेनिफिट है सबसे नीचे ऐड होने का, या फिर नॉर्मली आप बिना किसी उसके हो रहे हो? सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी। गौरव नायक स्लॉट 49 और 50 दोनों हमारे ही है, लॉल। ओके ब्रो ओके ओके ओके। नहीं मैं सिर्फ ये पूछ रही थी कि ये इतना बॉटम में होने का कोई बेनिफिट मिलेगा क्या आपको? कोई बेनिफिट है मुझे ही बता दो, मैं कभी किसी के रूम में जाऊंगी तो मैं भी सबसे नीचे चली जाऊंगी। ओपी ओपी गाइस ओपी 35 प्लेयर्स इन रूम। मैम 10 मिनट्स आर लेफ्ट। यस ब्रो 10 मिनट्स आर लेफ्ट। नहीं एक्चुअली बॉटम में जाते हैं तो स्क्वाड रूम में कोई अदर एंट्री करना मुश्किल रहता है। ओके दैट्स व्हाई वी प्रेफर ऑलवेज इन बॉटम। ओके ब्रो मैम हमको भी वॉच कर लेना मैम। व्हाई नॉट ब्रो, क्यों नहीं, मैं तो वॉच करने के लिए बैठी, मैं वॉच करूंगी। प्रदीप शाह बोलो क्या बोलना है ब्रो बताइए। गौरव नायक ये हाई फाई। विशाल श्रीवास्तव विशाल आ रही है 1 मिनट। ओके आ जाओ ब्रो, विशाल ब्रो आ जाओ आ जाओ। 1 मिनट नहीं हम 9 मिनट रुके हुए हैं अभी, आप आ जाओ। 9 नहीं पूरे 10 मिनट्स रुके हुए हैं, आप आ जाओ आराम से आओ।
चिकन डिनर पर ही विनिंग प्राइज, यस ब्रो चिकन डिनर पर ही विनिंग प्राइज मिलेगा हैशटैग वन वाले को। ओपी गाइस, ओपी ओपी, 37 प्लेयर्स इन रूम राइट नाउ, 38, ओके। डोंट फॉरगेट गाइस, वी आर स्टार्ट द रूम 9:20 शार्प 9:20। आर्मी ध्रुव बाहर क्या कर रहे हैं आप? ओके फ्यूजन आ गए हैं। ओके गाइस 37 प्लेयर्स इन रूम। जैक स्पैरो ब्रो अभी बाहर हैं। क्या बोल रहे हैं ब्रो आप? यस्टरडे यू वाज इन ब्रोकन वाइट 2.0 50 में से 16 लोग सिर्फ हमारे ही थे। ओके थैंक यू सो मच ब्रो। ओके आप गलती से निकल गए, आपको इनवाइट कर लेते हैं, नो इशू, आ जाओ। रुक जाना मैम, गलती से निकल गया मैम, बंदे बुला रहा हूँ। ओके नितेश हाइड्रा गेमिंग, ओके ब्रो अभी रुके हुए हैं 9 to 8 minutes अभी रुके हुए हैं, बुला लीजिए आप, नो इशू। आर्मी एक्स गेमिंग आप आ गए हैं? ओके ओके ब्रोकन ने बोला ग्रीसी के चैनल पे, ओके थैंक यू सो मच ब्रो। आप सब बहुत बहुत बड़े वाला सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू तहे दिल से, थैंक यू सो मच। सब ब्रोकन क्या बोल रहे हैं आप? एक सेकेंड, सब ब्रोकन वाइटी भाई का माहौल है। हाँ ब्रो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ब्रोकन वाइटी मेरे साथ स्पेक्टेट में रहेंगे। ओपी गाइस, ओपी 43 प्लेयर्स इन रूम। पैसे कैसे मिलेगा ब्रो? पेटीएम, गूगल पे, जो चाहोगे वो कर दूंगी। और बताओ सिंपली जस्ट यू टेल मी योर नंबर, आई विल सेंड। ओके 44, वी हैव ओनली 6 minutes आर लेफ्ट, सो शिवांश सुनो। हाँ जी सुनाइए शिवांश, बताओ कहाँ चले गए आप? मुझे इनवाइट करो। सारे चले गए क्या? ओ प्रफुल मैम भी हैं, इनको भी इनवाइट कर लेते हैं। मैं एग्जिट हो गया, कोई इशू नहीं है, प्रफुल मैम आ चुकी हैं।
जस्ट अ सेकेंड, ऐड करो फ्रेंड लिस्ट में रॉकस्टार M762। ओके, रिक्वेस्ट किया है मुझे, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी मेरे को रिक्वेस्ट नहीं आई है रॉकस्टार की। गौरव ब्रो, रॉकस्टार की मेरे पास रिक्वेस्ट नहीं आई है। पासवर्ड ब्रो कैपिटल में ए डाल दो, पासवर्ड है, बाकी मैंने जो चैट की हुई है उसमें पिन कमेंट में आप देख लीजिए, वहाँ पे आईडी और पासवर्ड दोनों हैं। रूम पासवर्ड वैसे मैं आपको वैसे बता रही हूँ, ए होगा, आईडी भेजो, रूम आईडी चाहिए आपको, रूम आईडी पिन कमेंट में है ब्रो। मेरी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ब्रो, गौरव ब्रो आप जैसे डिस्क्रिप्शन का वो एरो नीचे करेंगे वहीं पे ग्रेसिव आईडी और नीचे मेरी आईडी है, क्योंकि मुझे ऐसे ऑरली याद नहीं है सो मुझे देखना पड़ेगा, बट वो डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर लीजिए। ओपी गाइस 52 प्लेयर्स इन रूम, भेज दी रिक्वेस्ट, ओके ब्रो मिल गई, थैंक्स, यू कैन ऐड, ओके आई विल ऐड, जस्ट अ सेकेंड, रॉकस्टार M762 एग्रीड हो गए हैं। ओके प्रफुल मैम बाहर चली गई, विशाल ब्रो आप डुओ में हैं, सिंगल हो जाइए तो मैं आपको डायरेक्ट यहीं से रिक्वेस्ट भेज देती हूँ। श्रीवास्तव, विशाल श्रीवास्तव ब्रो, ओपी गाइस 54 प्लेयर्स इन रूम एंड वी डोंट हैव अ टाइम, ओनली हैव 2 मिनट्स, स्टार्ट करो प्रदीप, स्टार्ट करो, ओके ब्रो जस्ट 2 मिनट्स और, ओनली 2 मिनट्स, 18 हो गए हैं, शार्प 20 स्टार्ट करते हैं। ओके विशाल ब्रो आ जाओ, मैम कितनी देर है, गौरव ओनली वन मिनट, शार्प 20 स्टार्ट करते हैं, ओपी गेमर स्टार्ट करो ब्रो जस्ट अब भी स्टार्ट करते हैं, ओनली 1 मिनट, विशाल ब्रो भी आ गए हैं, प्रफुल मैम भी आ गई हैं, ओपी गाइस 54 प्लेयर्स इन रूम, आई एम वेरी हैप्पी, विशाल ब्रो आ जाओ, मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ब्रो ऐसे बाहर मत जाओ प्लीज, क्योंकि स्टार्ट हो जाएगा फिर आप, ओपी गाइस 54 प्लेयर्स इन रूम,
सो शैल वी स्टार्ट, लॉक करें। जैक स्पैरो ब्रो कहाँ रह गए? लेट्स टॉक। ओके जैक स्पैरो ब्रो, वेयर आर यू? गुड लक ऑल फ्रॉम टीम नवाब। स्लॉट नंबर 49 एंड 50। आई एम जॉइन। ओके, अनदर आईडी से ज्वाइन किया आपने? स्टार्ट मैम। ओके स्टार्ट करते हैं। ये रिक्वेस्ट नहीं ले रहे जैक स्पैरो ब्रो। टाइम इज ओवर। यस यस टाइम इज ओवर। हरी अप स्टार्ट करो। ओके ब्रो, 1 2 3 एंड स्टार्ट। दिस इज माई। ओके ओके ब्रो, ओके स्टार्ट करते हैं। गुड लक ऑल। होने वाला है देखते हैं। ओपन दिस चैट। 53 मेंबर ज्वाइन। 54 अभी और बढ़ेगा क्या? 55 57। ओपी 57 ही मेंबर थे ना? हाँ आई थिंक, चेक कर लेता हूँ। हाँ एक मिनट। 57 बनते थे जो कि पूरे को पूरे आ चुके हैं मैच। चेतन जिन जिक्रेटर चैनल का नाम कहाँ है? ओपी गाइस, क्या मस्त है नज़ारा, कितना ओपी है। यहाँ पे टीम वन जैसे कि हर बार कितना, मतलब पिछली बार भी 50 रॉक स्टार दिवांश थे तो इस बार वही है। और हमें जहाँ तक देखने वाला अच्छे खासे प्लेयर आए हैं। और गाइस आप लोग बिल्कुल मत मिस मत क्या करो, ऐसे आप मतलब जो चैलेंजर मैच होते हैं वो आप बिल्कुल ज्वाइन करा करो। अब फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइस, इसे तो मत मिस किया करो आप लोग, जितना हो सके आप लोग करा करो ज्वाइन। इसलिए हम लोग आप लोगों को लेकर आते हैं कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट तो खेल लो गाइस। यहाँ पे हमारा प्लेन पाथ मेरे को बिल्कुल शो ऑफ नहीं हो रहा है, शायद मैं इसे अब दोबारा ओपन करके, बिल्कुल नहीं दिख रहा मेरे को प्लेन पाथ, तो सिर्फ मैं एक्सपेक्टेड कर सकता हूँ गाइस। यहाँ पे काफ़ी सारे बंदे अलग अलग सवर्णी उतरे हैं, सवर्णी से आए आगे जाएंगे, स्टेबल जाएंगे, काफ़ी बंदे उतरे हैं अलग अलग, मतलब शूटिंग एक डी स्क्वाड नहीं उतरी है। यहाँ पे हमें शायद फाइट देखने को मिल सकती है यहाँ पे पर्पल टीम की तरफ से। पर्पल टीम हमारा यहाँ पे है जो कि उतरा कहाँ है भाई, यहाँ पे उतरे हैं यार, काफ़ी अलग अलग उतरे हैं क्या ये? टीम फोर सवर्णी उतरी है। यहाँ पे फाइट हमें देखने को मिल जाएगी इजीली क्योंकि यहाँ पे दो टीम उतरी है, यहाँ पे दो एक टीम फ्यूजन, टीम 41 और टीम 4, तो इन दोनों के बीच में फाइट देखने को मिल सकते हैं क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। तो क्या ये टीम फोर अकेला है? बिल्कुल टीम फोर अकेला है और इनके बीच आमने सामने फ्यूजन और सिद्धांत। सिद्धांत प्लेयर हैं, फ्यूजन भी अच्छा खेल लेता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट क्या ये दोनों आप इन दोनों फोर नंबर को हरा सकते हैं? इन दोनों का फाइट देखने को मिल रही है, इन्होंने फायर भी कर दिया और ये ओपन दिस चैट होने वाला है। फ्यूजन की तरफ से देखें, फ्यूजन के हाथ में कुछ भी नहीं है और यहाँ पे सिद्धांत के हाथ में M24 है और ये क्या इनके ऊपर रश करते हुए फोर, टीम फोर के पास स्कारल ओपी एंड शॉटगन, ये तो ओपन में था, एक बंदा पर डैमेज दिया पर ये क्या को नॉक कर दिया और एक M24 में फिनिश। तो पी इन दिस चैट हो गया गाइस, टीम 4 डिस्क्वालीफाई होते हुए सबसे पहले फिनिश होने वाले टीम 4 ही हैं जहां तक हमें देखने को मिला।
और यहाँ पे क्या, यहाँ टीम 11 भी डिस्क्वालीफाई हो गया। टीम रॉकस्टार कहाँ जा रहे हैं? टीम रॉकस्टार इस बार सही खेल रहे हैं। यहाँ पे हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ओके इन दिस चैट गाइस, काफी अच्छे फाइट देखने को मिलेगा। दो तीन बंदे हैं टीम 31, टीम 33 और एक और बंदा है ये यहाँ पे टीम 28। इन दोनों के बीच में जहर वाली फाइट देखने को मिल रही है और ये दोनों क्लोज इन करते हुए पोचंकी के अंदर क्लोज इन करते हुए मिल रहा है हमें। एक को नॉकडाउन, एक नो को नॉकडाउन डाल दिया टीम 31 को और ये क्या, टीम 31 को फिनिश होने से बची और ये नॉकडाउन डाल दिया और ये क्या नॉकडाउन, फुल टू डैमेज दोनों के, एक एक डैमेज नॉक है। और ये क्या किसके हाथ में जाता है, पलरा, ये टीम 33 डिस्क्वालीफाई। एमटी टीम 30, टीम 30 टीम 28 के ऊपर रश करने की कोशिश करेंगे, क्या ये बच सकते हैं? तो मेरे ख्याल से टीम स्नैपिंग करने की कोशिश कर रही थी टीम 30 और ये टीम 28 के दो बंदे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। टीम 28 है ना, आई थिंक सो। तो अब हम आगे देखते हैं कहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे भसर मची हुई है भसर में जो, यहाँ पे शिवांश की टीम के साथ, शिवांश की टीम के बीच में फाइट देखने को मिल सकती है हमें, क्योंकि ये शेल्टर उतरे हैं क्या, फार्म उतरे हैं, फार्म नहीं शेल्टर गाइस, और शेल्टर है। यहाँ पे आर्मी ध्रुव की टीम है, टीम 1 और टीम 18 दोनों के बीच में फाइट देखने को मिल रही है। टीम वन टीम 9 टीम 18 और टीम 15 है। टीम 9 के तरफ देखें, 9 भी यहीं उतरी है, 9 टीम 9 ओपन में जाते हुए ये शायद फ्लाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे टीम 18 देखें, टीम 18 पूरा हार्ड स्कोप कर लेके बैठे हुए हैं कि ताकि ऊपर से बंदा आए और ये नॉक डाउन दे सके। बट यहाँ पे टीम 1 को भी पता है कि भैया कहीं से भी बंदे आ सकते हैं। टीम 1 और टीम 18 के बीच में अच्छी फाइट देखने को मिल सकती है। यहाँ पे हम ड्रोन की हेल्प लेंगे, ड्रोन की हेल्प से कुछ भी हेल्प नहीं मिलेगी बट अच्छा सा एंगल मिल रहा है। टीम 50 अपने आप को कवर में कर रखी है और यहाँ पे टीम 9 और टीम 1 के बीच में, अरे सॉरी गाइस, यहाँ पे टीम 18 के बीच में फाइट हो रही है। हाँ टीम 18 के बीच में फाइट हो रही है और यहाँ पे ओपी ये तो एकदम ओपन हेड दिखा रहा है, चाहे तो ये फाइट ले सकता है। और टीम 18 एकदम हार्ड स्कोप करके रखे हुआ है, बिल्कुल इनको पिक देना नहीं चाहेंगे, सीधा पिक पे आते ही हेड मारने की कोशिश करना चाहेंगे। और टीम 1 की तरफ से देखेंगे टीम 1 क्या कर रहा है। टीम 1 ने अपने आप को होल्ड किए हुए बैठा कि ताकि बंदा आए और इसका ये हेड लेना चाहे, देखते हैं कौन किसके हेड ले सकता है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है पर कुछ भी हो सकता है गाइस। और यहाँ पे आप देखें सारी टीमें अलग अलग है, यहाँ पे ऑल ओवर मतलब सारी टीमें अलग है। जोन का पलड़ा सॉरी गाइस ये मिलिट्री बेस में बनता हुआ और सबको बीच कैंप है और ये क्या फाइट होने को मिल गई और ये कहाँ से हुई, इन दोनों के बीच में अच्छी खासी फाइट हो रही है। और ये टीम 12 और टीम 20 इन दोनों के बीच में फाइट देखने को मिल रही है। टीम 12 मिस्टर राज है जो कि हम उनके पास चलना चाहेंगे, मिस्टर राज अब अकेले हैं, ड्यू है बट एक टीम इनकी, एक टीम इनका मर गया। ये क्या, ये भाई ये टीम अप कर रहे हो क्या, क्या बात है भाई टीम अप कर रहे हैं, आई डोंट नो बट, और जो भी है गलत है अगर टीम अप कर रहे हैं तो। टीम 20 टीम 12 आई थिंक मीटअप कर रहे हैं गाइस, ये चीटिंग है, ये चीटिंग है गाइस। अरे फाइट लियो, नहीं नहीं फाइट लियो भाई, फाइट लियो, हेलो भाई चीटिंग है। अरे ये क्या ओपी भाई, क्या स्कैम कर, क्या स्कैम, टीम 9 भी इन पर रश करने की कोशिश करते हुए, मारो मारो फाइट लियो फाइट लियो फाइट लियो। टीम 12 और इन दोनों के बीच में चलो टीम अप करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक डाउन डाला टीम 20 को और शायद देखते हैं इसका बदला क्या ले पाएगा। एक को डाउन किया टीम 12 बट ब्रो ये तो गलत बात है, अच्छी बात नहीं आप चीटिंग कर रहे हो, पहले टीम अप करते हो फिर फाइट लेने की बात करते हो। मिस्टर राज अकेला है तो चाहे इन दोनों के बीच में अब 1v1 हो चुका है। ये क्या टीम 12 ने अपोनेंट को मार दिया तो अच्छी बात है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। टीम सेवन इस पर रश करते हुए गाइस कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे रश हो चुका है टीम 12 पे, देख रहे हैं टीम 12 को क्या तैयार है या नहीं है, बिल्कुल तैयार है ये टीम 12 और इनके सामने दो बंदे और हैं और किसके हाथ में क्या पलड़ा आ सकता है कुछ भी नहीं कह सकते हैं। सार्क गेमर ब्रो अच्छा खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं बट ये पिन खींच रहे हैं,
बट ये अपने पे ही कर लिए, ये तो स्कैम हो गए इनके साथ। टीम सेवन किलर बॉय एंड शार्क गेमर वाईटी, ये भी अच्छे खिलाड़ी हैं पर इनको अपना आईक्यू यूज करते हुए देखते हैं इनके बीच में कैसे फाइट होगी। टीम 12 कवर में है और टीम 7 भी मतलब फाइट लेने, रेड जोन का इनके ऊपर घातक साबित हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। टीम 12 अलोन है, टीम 12 के ऊपर चल गए और ये क्या फ्लाइंग करने की कोशिश की गाइस, फ्लाइंग करने की कोशिश की और टीम 7 को शायद इस बात का अंदाजा हो चुका है। इसे कहते हैं बढ़िया एयरफोन यूज करो, आपको बंदा एक्चुअली करेक्ट लोकेशन के साथ पता चल जाता है कि बंदा कौन कहां से फाइट करने वाला है आपके चैनल मतलब आपके ऊपर। जैसे कि इन्होंने अपना मतलब इनका अभी जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो उनके एयरफोन पे एकदम फिनिश हो उतार के मतलब सॉरी किलर बॉय ने टीम 12 को डिस्क्वालीफाई कर दिया है। और आगे हम जाना चाहेंगे, देखते हैं कहाँ पर फाइट हो रही है, सब सब अभी जोन में आने की कोशिश करेंगे। कमास की गया रेड टीम, गया रेड टीम कमास की गया, जो कि पता है गाइस ये वही बंदे हैं जिनको फाइट से कोई मतलब नहीं, हैशटैग #1 लेके आना है। और इनके ऊपर जोन का साया होते हुए और यहाँ पे हम देखते हैं ड्रॉप में क्या निकल, ड्रॉप लूटेड है और यहाँ से ड्रॉप लूट के कौन गया है पता नहीं। और ग्राउंड में चलते हैं टीम 13 स्ट्रीम स्नैपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और ये एमके का कॉम्बो मिला है, एमके और आई थिंक ऑग है, बिल्कुल एमके और ऑग है। और ये जो कि पोचंकी में है, क्या पोचंकी में ही है और अभी फाइट देखने को हमें कहीं नहीं मिल रहा, बस हमें ड्रॉप आया है, ड्रॉप को देखते हैं ड्रॉप में क्या गिर रहा है। ओहो ड्रॉप मास है, दिखाओ M249 और लेवल 3 का आमान सामान जमान जो भी है हेलमेट वगैरह। और यहाँ पे ब्रिज कैंप देखने को मिल सकता है गाइस, ओप इन दिस साइड, यहाँ पे टीम 49 के एक बंदा डिस्क्वालीफाई होता है और ये अपने आप को होल्ड कर रखा है। और यहाँ पे टीम 15 क्या कर रहा है, कुछ भी हो सकता है गाइस। टीम 14 फ्लेयर के पास जाने की कोशिश कर रही है, बग्गी ले रही है, बग्गी ले रहा है आई डोंट नो पर हाँ आई थिंक सो ये बग्गी लेके जॉइनिंग करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे फ्लेयर चली है, फ्लेयर कहाँ चली है वो देख लेते हैं। ये क्या यहाँ पे टीम 49 कैंप कर रहा है और टीम 9 भी इसके आसपास ही है, तो देखते हैं टीम 15 क्या कर रहा है। टीम 15 जॉइनिंग करने की कोशिश कर रहा है, टीम 49 सैक के अंदर जो कि छुपा हुआ है, अगर टीम 15 को तो मतलब फिनिश करना है तो उनको सैक के अंदर जाना पड़ेगा। शायद ये ले फाइट या ना ले कुछ नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे टीम 9 भी है आसपास में तो यहाँ से कुछ नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पे हाँ थोड़ी से दूरी पे है इसलिए हमें दिखा रहा है, टीम 15 की तरफ जा रहे हैं। टीम 15 जो बोलो कैंप है, ओके गाइस ब्रिज कैंप और ये ऊपर डैमेज मिला और ये टीम 15 निकल चुके हैं। टीम 6 ने अपना बाजी मार लिया है और एक को चलती गाड़ी से उतार दिया गाइस। और जहाँ तक मुझे लगता है सब के सब जोन इन करने की कोशिश करेंगे और वही होने वाला है और स्मोक करके सही से लूटने की कोशिश कर रहे हैं। इनके आसपास देखते हैं कौन कौन है, इनके आसपास कोई भी नहीं है। और शार्क गेमर को देखते हैं, शार्क गेमर टीम सेवन शार्क गेमर और हमारे देखते हैं और भी बंदे उतरे थे जिन्होंने कहा था कि भाई मुझे एक्सपेक्टेड जरूर करना, तो उसमें हमें देखते हैं सब नंबर वाइज चेक करते हैं। शिवांश को देख लेते हैं, शिवांश कहाँ है, शिवांश जोन से बाहर है और कहाँ है ये लिपो का में है और रेड टीम वो भी कमास्की में है और सब के सब जोन में आ चुके हैं। टीम 49 के एक बंदे हैं जो कि ब्रिज कैंप के वाले सैक के पास है। टीम 43 ये जो नई गाड़ी है यही है, इसमें कहाँ जा रहे हैं अभी पता कर लेते हैं। ये अपने जोन में गाइस, ये सिर्फ जोन में ही रह रहे हैं, जोन से बाहर नहीं, क्योंकि इनको सिर्फ एक तरफ से रैंक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये तो सिर्फ चिकन निकालने के लालच है। टीम 13 गाइस यहाँ पे हमें आसपास में टीम 13 और ये क्या चार टीम है, टीम 3 टीम 13 टीम 16 टीम 41 तो देखने को मिल जाएगा। टीम 13 देखते हैं, टीम 13 दो बंदे हैं, ये स्ट्रीम स्नैपिंग कर रही या ऑफलाइन है आई डोंट नो, बट इनका पलरा पत्ता कट सकता है। टीम 16 की देखें, टीम 16 नॉक आउट हुआ और रिवाइव मिलता हुआ आर्मी शिवम, ओके जहां तक मुझे लग रहा है क्योंकि फ्यूजन की टीम डिस्क्वालीफाई हो गई है, तो देखते हैं टीम
की टीम ओके हाँ टीम वन डिस्क्वालीफाई भी है और दैट्स अभी सब चल रहे हैं। तो फ्यूजन की टीम 41 अभी जोर-जोर पुल में टीम 41 ने ही किल किया दूसरी टीम को। और यहाँ पे गाइस जैसे कि अभी इनको पता नहीं है कि आसपास के बंदे हैं। और ये क्या ये टीम टीम 13 को ऑफलाइन है क्या स्ट्रीम स्नैपिंग कर रहा है? मुझे तो टीम 13 का ये राग ऑफलाइन दिख रहा है गाइस। और यहाँ से ये निकल चुके हैं ये टीम ये कहाँ है आई डोंट नो चेक करते हैं इसको। ओपी ये तो होल्ड करके बैठा हुआ है एक किल करके अपने आप को होल्ड करके बैठा हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं टीम टू जॉन इन करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे ब्रिज कैंप पे देखने को मिल रहा है गाइस देखते हैं ब्रिज कैंप बिल्कुल है तो सब के सब होल्ड किए हुए हैं। यहाँ पे ओवरऑल ओवरऑल देख लेते हैं कौन है इनके पास। यहाँ पे टीम 6 और टीम 49 जैसे टीम 6 को टीम 49 पे शक हो चुका है और वो इनको हार्ड स्कोप पर रखा है और एकदम हार्ड स्कोप ओपी वाला होने वाला है। और जहाँ तक हमें यहाँ पे आसपास में देखें टीम 49 एंड टीम 6 है और हार्ड स्कोप जहर वाला है। और देखते हैं यहाँ पे स्पेक्स जैरो हिटमैन यहाँ पे हमें गाइस हाँ गाइस जिसको टीम की तलाश है वो नहीं मिला। ध्रुव की टीम कहाँ गई पता नहीं। ध्रुव की टीम शायद आई नहीं क्या? ओके गाइस मैंने देखा था उसको ध्रुव को बट अभी शायद होगा मैच में। आर्मी शिवम आर्मी टीम 14 टीम 14 ये कहाँ पे टीम 14 एकदम नोवो के बीच से आए हैं और यहाँ पे टीम 6 और सब के सब जोन इन करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे हमें इजी तगड़े वाला फाइट देखने को मिल जाएगा। टीम 6 है इसके ओवरऑल में ग्राउंड पे और सबको सब ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा और देखते हैं सब अपना अपना आईक्यू क्या यूज करते हैं। ब्रिज एक और वो भी कैम्प ये ब्रिज कैम्प करने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल और सबको जोन यहाँ पे ड्रॉप एक्सपेक्टेड करेंगे। यहाँ पे क्या हो गया कैसे क्या हो गया देखते देखते टीम 43 शायद एक को फीस डाल के यहाँ से निकल चुके हैं और हमें यहाँ पे जोन निकलने के यहाँ पे देखते हैं एक्सपेक्टेड। टीम सिक्स क्या कर रहा है आई डोंट नो अभी हमारा पूरा लैग हो रहा था लैग था। इन्होंने फ्लाइंग किया है टीम 49 को फिनिश करके ही जाने की सोचे हैं इन्होंने कि टीम 49 अकेला है इसको फिनिश करके ही जाएंगे और टीम 49 को देखते हैं क्या कर रहे हैं इनको ये अपने आप को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और ये क्या इनको पीछे से पढ़ सकते हैं पर पीछे नहीं देख रहा। टीम 10 भी हार्ड स्कोप लेकर बैठे हुए हैं AWM तो कुछ भी हो सकता है पीछे से पट्टा सा हेडशॉट हो सकता है। टीम 43 भी इनके आसपास ही है तो गाइस हमें यहाँ पे देखने को क्या मिलता है यहाँ पे टीम 6 टीम 10 टीम 43 एंड टीम 49 आई थिंक है तो टीम 10 की तरफ जाएंगे। टीम 10 के पास AWM का पट से हेड शॉट है तो कुछ भी देखने को मिल सकता है बट ये कहाँ हार्ड स्कोप ले रहे हैं कुछ नहीं। और टीम 43 गॉड डांसर एंड शूटर ये क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे गाइस सब के सब टावर तोड़ फाइट होने वाली है क्योंकि सबको जॉन इन करना है। यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड करने है टीम 40 के बीच में फाइट देखने को मिल सकती है अपने को बट यहाँ पे तो काफी बंदे टीम सेवन सार्क गेमर और टीम 40 दोनों कोई डिस्टेंस पे टीम टू के बीच में शायद स्पेक जैरो के बीच में फाइट हुई है कि इसका हेल्थ डैमेज हुआ है तो सनिका राउत एंड स्पेक जैरो इन दोनों के बीच में फाइट देखने को मिल सकती है गाइस तो वी डोंट मिस दिस फाइट। वैसे इन दोनों के बीच में ज़्यादा दूरी नहीं है ओनली 500 मीटर्स है शायद या 200 मीटर्स हैं तो स्टैक जैरो अपने आप को फाइट से दूर। और ये क्या हमें डिजार ओवरऑल ओके गाइस सॉरी मिस कर दिया हमने यहाँ पे फाइट नॉकआउट देखने को मिल रहा है यहाँ पे ओपन दिस चैट काफ़ी फाइट हो रही है टीम 43 इज डेड टीम 18 ने टीम 43 को फिनिश कर दिया है ओपन दिस चैट होने वाला है और काफ़ी तगड़ा गेम प्ले है और इसमें गाइस पिछले मैच से काफ़ी तगड़ा फाइट देखने को मिला। यहाँ पे भी ब्रिज कैंप कर रखा है क्या या बिल्कुल इन्होंने ब्रिज से थोड़ी दूरी पे अपने आप को होल्ड कर रखा है जोन इनका और स्ट्रीम स्नैपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कौन बंदा कहाँ है और यहाँ पे भसर मच सकती है और कुछ भी हो सकता है। टीम 6 टीम 18 अपने सामने देखने को मिल रही है बिल्कुल और यहाँ पे बग्गी है और बग्गी जो कि उनके प्लस पॉइंट पे है तो कुछ भी हो सकता है टीम 6 और टीम 18 के बीच में।
टीम 18 के पीछे जाएंगे ओवरऑल। टीम 18 जिन्होंने ये लूटने में मगन है, इनको पता नहीं कहीं से कुछ हो सकता। टीम 10 भी यहाँ पे अपना घात लगा के बैठे हुए हैं, बट ये कहीं और वॉच अपने आप को वॉच कर रहे हैं, कहीं और देख रहे हैं। टीम 49 अब तक जिंदा है गाइस, ओपी इन दिस चैट होने वाला है गाइस। टीम 49 अभी तक लाइव, मतलब सर्वाइव कर रहा है टीम 49 ओपी। टीम 18 अभी टीम 18 का साइज बढ़ता हुआ लग रहा है, और टीम 6 क्या कर रही है, टीम 6 भी सब सनेक में, और इस यहाँ नाग नागिन का काम चालू हो गया। नाग नागिन शायद बीन बजाओ, सब नागिन डांस करेंगे। ये क्या कर रहा है टीम 18 को पता नहीं है, यहाँ पे बंदे हैं बट शायद इनके बीच में फाइट, ये ओपन में जा रहे गाइस, ये इजीली शायद जो फाइट ले सकते हैं। टीम 6 से आराम से उन पे घात लगा के फिनिश कर सकते हैं, बट कुछ भी हो सकता है। ये क्या डैमेज किया बट हुआ है, और एक टीम को नॉकआउट करते हुए, और अभी देखते हैं टीम 18 बट ये क्या टीम 18 फिनिश हो चुकी है गाइस। टीम 6 और टीम 10 के बीच में फाइट देखने को मिल सकते हैं, जैसे ही टीम 10 ने टीम 6 के ऊपर फुल टू हार्ड स्कोप करके बैठे, जैसे ये लूटने जाए इन दिस चैट, काफी तगड़ा और फाइट देखने वाले टीम 6 के बीच में, और यहाँ पे सिर्फ टीम 10 और टीम 6 है। और भाई हम टीम 6 की बात करें तो आसपास टीम 16 भी है जो स्ट्रीम स्नैपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, और टीम 49 भाई टीम 49 की बात की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, सही आईक्यू यूज कर रहा है, इनको अपने आप को सेव करना है कुछ भी लगा। और ये क्या जोन से एक बंदा फिनिश हो चुका है भाई, जोन से बाहर जाओगे तो ऐसे ही होगा, मतलब इतना भी लालच सही नहीं है। यहाँ पे हमें और फाइट देखने को मिला, स्टैक जैरो बिल्कुल भी, और ये फसल भी चुकी है, और यहाँ पे फुल तो हमें देखने को मिलेगा जहर वाली फीलिंग, बिल्कुल लूटा हुआ है, लूटा हुआ है, और यहाँ पे फाइट देखने को मिलेगी। टीम 24, टीम 24 के पास जाएंगे, टीम 44 के साथ क्या हो रहा है, ये सिर्फ अकेला बच्चा है, शायद ये अकेले ही खेल रहे हैं, इनको दूसरे से कोई मतलब नहीं है, ये भी बिल्कुल सही खेल रहे हैं। टीम 40 पानी में तैर के आने की कोशिश कर रहे हैं, और सब की सब गाइस क्या भसर मचने वाली है, और क्या ही स्कैम होने वाला है। टीम फाइव किसकी है, टीम फाइव हमारी निर्जन, ये अपने आप को होल्ड किए हुए हैं, इनके आसपास कोई भी नहीं है गाइस, कोई भी नहीं है, तो इनको छोड़ते हैं। टीम सिक्स के पास भी कोई नहीं है, शायद राइट राइट में था कोई, राइट में किसी के टीममेट है, और टीम 10 भी इनके आसपास है। टीम 10 का दो बंदे हैं, शायद ये किसी पर घात लगा के बैठे हुए हैं। टीम 16 अपोनेंट सामने, टीम 16 है जो कि पानी से सरवाइव करने की कोशिश करें, पानी से नदी क्रॉस करेंगे, बट यहाँ पे टीम 49 ऑलरेडी पानी में सरवाइव कर रहे हैं, और टीम 16 भी, टीम 16 की फुल डैमेज उसका ये हेल्थ लगाने की कोशिश करेंगे पहले, और टीम 10 ने फुल डैमेज दिया टीम 16 को, बट एक भी बुलेट कनेक्ट नहीं हुआ जिससे वो बच चुके हैं। टीम 49 अपने आप को कवर करते हुए, और टीम 16 अपने आप को पानी के बीच से निकालते हैं, बट कुछ भी हो सकता है गाइस। और यहाँ पे टीम 10 अच्छा अपना गेम प्ले दिखाते हुए, टीम 6 भी आ चुकी है, टीम 6 से आ चुकी है ब्रिज के नीचे, तो यहाँ पे घमासान युद्ध देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे क्या गाइस, यहाँ पे हमने जोन से बाहर देख रहे हैं क्या ही होने वाला है, यहाँ पे आसपास से भी टीम 2 भी है, इनको क्लोजिंग कर रही है, और अभी तो फिलहाल टीम 2 है और आसपास में कोई नहीं है, और टीम 6 के बीच में, टीम 6 के आसपास काफी बंदे हैं, टीम 8 जो सोलो खेल रहे हैं, और यहाँ पे अच्छा खासा इनको फाइट, पीछे से टीम 6 रश कर रही है, और इधर से 49 अपने आप को सेव कर लिया पानी के अंदर, मतलब जल पानी में से निकाल लिया अपने आप को, और ये भी सरवाइव कर रहे हैं। शायद टीम 49 प्लस पॉइंट ले सकते हैं, और ये क्या सामने उनको दिखा एक बंदा, बट ये इनको जोन इन करना चाहिए, टीम 16 के ऊपर नजर बनाए रखे हुए हैं, और शायद ये जोन से फिनिश हो सकते हैं। टीम 6 ने टीम 49 पे निशाना साधा है, और ये क्या टीम 8 ने टीम 6 के एक बंदे को नॉकआउट डाल दिया ओपी, और यहाँ पे टीम ओपी इन दिस चैट फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं, बट टीम 6 ने उसको कवर दिया, और ये टीम 6 फिनिश, शायद जीरो रिकॉल यूज कर आई डोंट नो, बट बाद में देते हैं। और टीम 10 जोन इन ब्रिज से इजीली गाइस, इसे मतलब हमारे माइंड में सेट होता है ब्रिज कैंप होगा, बट ब्रिज कैंप बिल्कुल नहीं था, किसी की हिम्मत नहीं थी ब्रिज कैंप करने की, और यहाँ पे घसर मच चुके हैं।
20 अलाइव और 20 अलाइव हो चुके हैं और यहाँ पे क्या ही बसर मचने वाली है, तब क्या आईक्यू की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। टीम 13 के पास प्लस पॉइंट है और टीम 16 लेफ्ट में उनके टीम 16 के आसपास में ही है। तो टीम 13 के पास हम देख रहे हैं, टीम 49 को डैमेज देंगे। टीम 16 ने उनको ऊपर डैमेज दिया और आर्मी सिमम फिनिश, और ये ओपी नीड करने की कोशिश करेंगे बट नीड सही कनेक्ट हुआ तो ये फिनिश हो सकते हैं बट लेट हो चुका। डैमेज दिया, डैमेज भी लगाई बट देखते क्या होता है। ओपी इन दिस चैट बस अपने आप को कवर में लेते हुए टीम 49 और यहाँ पे टीम 16 दोनों सिंगल सिंगल है और गाइस कुछ भी हो सकता है इन दोनों के बीच में। टीम 49 को ऊपर तीन टीम 13 शायद फाइट दे सकते हैं बट इनको पता नहीं कि इनके पास बंदे आ रहे हैं पीछे से। टीम 16 जोन इन करने की कोशिश कर रहे हैं और सबको जोन इन करना है और यहाँ पे भसर मच चुकी है सबको और सब देखते हैं। डीआरएस अंकित को देखते हैं क्या है अपना सर, कैसे अपना गेम प्ले दिखा रहे हैं। डीआरएस अंकित के आसपास कितने बंदे हैं देखते हैं। डीआरएस अंकित के आसपास टीम 8 टीम 10 टीम 14 टीम 14 ये खुद हैं तो टीम 8 एंड टीम 10 है तो टीम 8 ऊपर में है और सामने टीम 10 है। टीम 10 के पास AWM का प्लस पॉइंट है, ये हेडशॉट देने के लिए यूज बिल्कुल कर सकते हैं। और ये क्या यहाँ पे हमें फाइट देखने को मिस कर दिया हमने गाइस, कहाँ पे ये ओके इन द चैट यहाँ पे फाइट देखने को मिल रही है और ये टीम 13 फिनिश कर दिया है। टीम 49 को होगा शायद, टीम 49 ही फिनिश हुआ होगा या बिल्कुल राइट आई एम राइट। टीम 49 इज डिस्क्वालीफाई होते हुए और यहाँ पे टीम 5 टीम 7 टीम 8 टीम 2 इज डिस्क्वालीफाई आई डोंट नो हाउ, यस टीम 2 डिस्क्वालीफाई होते हुए हो गया है और टीम 5 और यहाँ पे घसल मचने को है। सब नागिन डांस करने वाले हैं तो इसी बात पे गाना हो जाएगा गाइस, नागिन गिन 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 नागिन गिन 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 गिन। टीम 8 को देख रहे हैं गाइस, टीम 8 के सामने टीम 13 है और ये क्या फाइट हमें देखने को मिल रही है। टीम 10 और टीम 13 के बीच में फाइट देखने को मिल रही है। टीम 10 को एक नॉकआउट डाला, सॉरी टीम 10 ने 10 को डाला या किसको डाला, ओपी इन दिस चैट अभी टीम 10 नॉकआउट नहीं हुए हैं और टीम 8 ऊपर से लेंगे और ये क्या गाइस ओपन में है बिल्कुल, टीम चाहे तो 10 इजी फिनिश कर सकते हैं। ओपी इन दिस चैट बट क्या ये नॉकआउट फिनिश हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। टीम 13 का हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, बल्कि ये पिट जाएंगे मुझे जहाँ तक लग रहा है बिल्कुल पिटेंगे। टीम 15 ऊपर से रस करने की कोशिश कर रहे हैं और शायद ये फिनिश मतलब फाइट ले भी। टीम 10 और टीम 13 आमने सामने, टीम 7 जो कि जोन से बाहर है और सबको जोन इन करना पड़ेगा और जोन इन करने के लिए डीएस अंकित ऑलरेडी जोन में है और ये टीम 10 और ऊपर से टीम 7 भी है और सामने टीम 50 और टीम 41 जो कि फ्यूजन की टीम है और अंकित को प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं बट टीम 40 हेडशॉट 41 पे लगाने की कोशिश। इस बार का गाइस जहर मुकाबला है और सबका ओप इन दिस चैट होने वाला है। टीम 41 के दो बंदे हैं, एक स्टैक में और एक थोड़ी काफी डिस्टेंस है और यहाँ पे टीम 40 और यहाँ पे एक को नॉक करके टीम 14 को नॉक करते हुए टीम 14 का अंकित नॉक होते हुए और क्या ये ध्रुव सर्वाइव कर पाएगा या नहीं। टीम 41 ओपन दिस चैट होने वाला है। टीम 41 अकेला है और टीम यहाँ पे अंकित डीआरएस अंकित एंड शिवम दोनों का हेल्थ फुल डैमेज है तो ये क्या फिनिश हो चुका है, अंकित फिनिश हो चुका है और यहाँ पे ध्रुव और फ्यूजन के बीच में फाइट देखने को मिलेगी हमें और देखते हैं कैसे होता है। बिल्कुल ओके कुछ नहीं पता और यहाँ पे गाइस ओपी इन द चैट होने वाला है, सबको जोन इन करने के और सबको फिनिश करने के पीछे लगे पड़े हैं। यहाँ पे टीम 50 को नॉकआउट हो सकता है और ये क्या टीम 15 ने एक को फिनिश डाला, टीम 10 ने उनके पीछे रस कर दिया और ये टीम 50 भी फिनिश हो चुके हैं और यहाँ पे टीम 41 ओप इन दिस चैट होने वाले फ्यूजन नॉक हो चुका है और यहाँ पे सिद्धांत इनको जोन इन करके बचाने की कोशिश करेंगे, क्या ये बचा पाएंगे अपने टीममेट को या
बिल्कुल अफकोर्स ये बचा पाएंगे। और यहाँ पे टीम टेन, टीम टेन फ्लाइंग करते हो, ये क्या, टीम टेन फिनिश हो चुकी है, दोनों जोन का प्रतिघात हो चुका है। और टीम सात बंदे लाइव है, टीम फ्यूजन, टीम ध्रुव, टीम 14 ऊपर है और फ्यूजन नीचे है, बाकी टीम्स टीम 5 जोन इन है, जोन गिन कर चुकी है। ओवरऑल हमें चार टीम देखने को मिल रही है, चार टीम बची हुई है और किसके बीच में क्या हो सकता है, ध्रुव की टीम क्या पता यहाँ क्या सर्वाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। यहाँ पे 2v1 हो सकता है या 1v2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है AWM है इनके पास। और यहाँ पे नीचे हम फ्यूजन को देखेंगे, फ्यूजन अपना नेट का यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, सब अपने नेट खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि नेट कैसे निकल जाए। ओपन द चैट फ्यूजन नाउ, ओपन द चैट, और ये कोशिश करेंगे, बट शायद ही फ्यूज ध्रुव अपना IQ सही यूज कर रहे हैं, रिवाइव दे रहे हैं, बट ये शायद रस करते ही ये फिनिश करेंगे। रिवाइव अपने टीममेट को जरूर रिवाइव देंगे, और ये ध्रुव झुका जम किया और ये फिनिश, ओपन दिस चैट, इसे कहते हैं ध्रुव, ऐसे ही नहीं कहते ध्रुव, यहाँ पे हो चुका ध्रुव। और यहाँ पे सिर्फ टीम 40 एंड टीम 5 एंड टीम 14 बचा हुआ है, दो टीम बची हुई, तीन टीम बची है सिर्फ। और यहाँ पे टीम 40 आमने सामने देखने को मिल रही है, टीम 40 जिनके पास अभी क्लोज इन करेंगे ध्रुव, ओवरऑल देख लें टीम 5 के पास दो बन, मतलब अपने पूरे ड्यू लेके चले, और ध्रुव ध्रुव अकेला है, इनको क्या मतलब क्या सरवाइव कर पाएंगे या नहीं देखते हैं। यहाँ पे टीम INDI मतलब नीतीश ने थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे है और इनको पता है, और यहाँ पे ध्रुव भी गाड़ी से उतर चुके हैं, सबको जोन इन करना है, जोन इन ऑलरेडी, ये क्या होने वाला है, फुल डैमेज मिलता हुआ ध्रुव को, और ध्रुव अपने आप को कवर जोन इन करेंगे, फिर हेल्थ लगाएंगे, क्या ये जोन से फिनिश हो जाएंगे, ये क्या जोन इन कर चुके हैं, और टीम 40 ना गिन 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 कर रहे हैं, और ये चाहे तो इजिली फिनिश डाल सकते हैं और टीम 14 को डिस्क्वालीफाई करा सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। अभी जोन इन दोनों को करना है, और टीम 5 ऑलरेडी जोन इन कर चुकी है, और ये अपना नेड दिखाते हुए नेड का IQ, बट कुछ भी फायदा नहीं हुआ। और ये क्या टीम 14 है, टीम 14 फ्लाइंग करने की कोशिश, ओपी नेड था, बट वहाँ से टीम 40 पहले निकल चुका है और नागिन गिन शुरू हो चुकी है। गाइस मुझे नहीं लगता कि ध्रुव की टीम सर्वाइव कर पाएगी, ध्रुव अकेला है, बिल्कुल मुझे नहीं लगता सर्वाइव कर पाएगा, बट कुछ भी हो सकता है, बट ये अपना जोन इन करने की कोशिश कर रहे हैं, और टीम 5 अपने आप को रिलैक्स फील कर रही है क्योंकि उनको फाइट से कोई मतलब नहीं, उनको जोन ऑलरेडी में है, जोन में है, तो यहाँ पे टीम 14 जोन इन की कोशिश कर रहे हैं और टीम 40 इनके ऊपर निगाहें बना रखे हैं, बट शायद अब ये निकल चुके हैं, दोनों तो दोनों जोन इन कर चुके हैं, और यहाँ पे जोन इन करने में ज़्यादा अकलमंदी है। और ये क्या टीम फाइव को नॉक करते हुए, और टीम 5 आर नीतीश ने नॉक किया मिनी से, ओपन स्टैक नो रिक्वायर का यूज करते हुए फिनिश डाला, नो ग्रास नो रिक्वायर, दिस इज चीटिंग, तो चीटिंग है। टीम 14 उधर जस्ट कर दिया है, और यहाँ पे टीम 5 के सामने बंदा आ चुका है, यहाँ पे दो बंदे, अरे ये रहा कपड़ा, सॉरी मुझे लगा बंदे ये भी फिनिश हो गए, टीम 5 भी डिस्क्वालीफाई, ओनली 2 में, दो टीम बची हुई है, स्मोक का जाल बनाते हुए, इसे कहते हैं ध्रुव, मतलब अब गाइस 2v1 हो सकता है या 1v2 हो सकता है, वंस मोर अगेन देखते हैं क्या हो सकता है। एक के पास नो ग्रास नो रिक्वायर और एक के पास कुछ भी नहीं, IQ माइंड IQ, तो ये क्या टीम 40 राइट से फ्लाइंग किया, बट कुछ भी हो सकता, अगर टीम 40 अगर जीतती है तो बिल्कुल नहीं मिलेगा नीतीश को, फिर भी ध्रुव को ये अमाउंट दिया जाएगा गाइस, ये मेरा कहना है, बिकॉज नीतीश चीट कर रहा है, नो रिक्वायर नो ग्रास यूज कर रहा है, तो ऐसे में बिल्कुल नहीं दिया जा सकता है। और हाँ फ्लाइटिंग ओके है, ये बिल्कुल चीट नहीं कर रहे हैं, ये अगर इनकी टीम जीतती है तो 100 रुपीज फ्लाइकिंग को और 100 रुपीज ध्रुव को दिया जा सकता है शायद, क्योंकि ये दो टीम बची हुई है, और शायद अब देखते हैं क्या कर रहे हैं ब्रो, बिल्कुल मैंने चैट नहीं पढ़ा है,
कुछ भी हो सकता है, 1v2 या 2v1। जैसे नीतीश है, नीतीश अपना नोग्रास यूज कर रहा है गाइस, तो बिल्कुल इसको अमाउंट नहीं दिया जा सकता। 200 अमाउंट है, 100 रुपीज ध्रुव को और 100 रुपीज ब्लैकिंग को दिया जाएगा इजिली। तो इजी अमाउंट क्लियर हो चुका है, तो देखते हैं क्या से क्या हो रहा है। यहाँ पे हम जो ड्रोन की हेल्प लेंगे, दोनों आस पास है, एक रिच के कवर में और ओपन दिस चैट फ्लैकिंग इज नॉक और ये मैच हैज बीन फिनिश गाइस। ओपन दिस चैट कहते हैं इसे, बट याद रहे गाइस अमाउंट कौन जीता है वो ओपी गाइस ओपी। अब आप बताइए कि किसको हमें क्या प्राइस देना चाहिए, प्रफुल प्रफुल मैम की इनविटेशन। हेलो मैम, हाउ आर यू मैम, आपसे थोड़ी देर में बात करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। और गाइस देखना ये होगा, यहाँ पे इनसे बात कर लेते हैं, मज़ा आया। ओके थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच। आओ भाई आओ, जो जीते हो वो तो आओ। हेलो आप जी, बताओ जी। अरे भेज रहा हूँ, बोला मेरा दिमाग खराब हो गया यार, ये बहुत ही लास्ट दिमाग मर जाते हैं हम लोग तो यार। हेलो ग्रेसी मैम, हेलो मैम, नीतीश को, नीतीश को अमाउंट मत देना, लाइकिंग को और ध्रुव को दे देना। हाँ नीतीश को मत देना, नीतीश के अलावा 100-100 रुपए दोनों को दे देना। अरे क्योंकि नीतीश ने चीटिंग किया, नो ग्रास नो रिटर्न। मेरी आसन वो उसके पास भी क्या कहते हैं वो आदित्य के, वो क्या नाम है, बीएल भाई के पास भी है, दोनों लगाते हैं, दोनों लगाए हुए हैं दोनों। मेरे को तो दोनों लगा रखा है ना, कौन हल्का सा था दोनों लगा रखा है मेरे को तो। हां सुनो रोकन रोकन, मेरे को सही भाई हमें मिलना चाहिए, #2 वालों को मिलना चाहिए। रोकन मैं सही बोल रहा ना, मेरे को है ना ध्रुव का हल्के से डाउट हुआ कि उतना है ना हैक तो नहीं लगा पर ब्लैकिंग को मैंने मैसेज किया था, उसमें है अरे मैंने लगा के दिया। अरे ब्रोकन ठीक है ब्रोकन। नितेश को, वेयर आर यू नितेश, हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो, हाँ मैम, हाँ भाई मैम क्या करा जाए, बढ़िया यार भाई मेरे को पता है सुनो। हाँ नो ग्रास है, रेसिपी लिख के ले लो मेरे से, मेरे को पता है यार, मतलब हाई रिस्क से कैसे पिट जाऊंगा, ये मेरे को पता है यार। नो 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 भाई, ये गलत है, ये गलत बात है। जो बंदे मैंने ओपन पे ले वो नहीं है कवर में, तभी पे ले ठीक है। बिल्कुल पता है तुम बिल्कुल रिच के नीचे थे और मैं बिल्कुल ऊपर था, पता है कहां। नो 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 कोई बात नहीं, नॉक किया एक गलती पीते होगे तो नॉक किया मैं, अरे नहीं ऐसी बात नहीं ध्रुव यार, तुमने नॉक किया किंग को। ऐसा कुछ नहीं है ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग बोल तो भूलेंगे। अब चार्जर ना लो, चार्जर कहाँ है। हेलो हेलो, हाँ बोलो विशाल बोलो। मैं विनर के जो हुआ था उसको मिला क्या, ये बताया तो नहीं आपने। मिल जाएगा भाई, क्यों टेंशन लेने का। अब मुझे
मैंने कहा मुझे तो ऐड ही नहीं किया, मैं तो अपना टीम लेकर के खड़ा था। अरे मैम मैंने डाले था, मैंने मेरा मेरा टीम मेट खुद था ना, मैंने मैं आया नहीं, चलिए मैं अगली बार टूर्नामेंट में आएंगे। इसमें हम जीते हैं विशाल, इसमें हम जीते हैं। ओके ओके ठीक है ठीक है, ऑनलाइन है सब। सेकंड गाइस आपका क्या कहना है बताइए मुझे। अग्रेसिव मैम, नितिश ने तो हैक यूज किया था। अरे वो क्लोज में था ना, देखा तो देगा ना, क्लोज में होने से देखा ही देगा ना। जो देता है उसको देता। मैं कुछ नहीं कर सकता मैम, मेरा तो ओपिनियन यही है नीतीश शायद चीटिंग किया है। क्यों चीटिंग करेगा, तो सही मारा है क्लोज में। ध्रुव को बुलाते ना। रॉयल राजा हेलो ब्रो, कैसे हो? थैंक्स फॉर वॉच माय स्ट्रीम ब्रो। नाइस भाई चीटर। नहीं नहीं भाई चीटर, भाई क्या चीटर आप बताओ। रॉयल राजा मतलब हमारे व्यूअर्स जितने भी है गाइस, आपने भी स्ट्रीम देखी नीतीश की, तो आप लोग बताओ क्या नीतीश को है? नीतीश आप बताओ क्या करता है। नीतीश को बुला लो। आर्मी ध्रुव तो चीटिंग कर रहा है मेरे पे, आप पे क्या आ रहा है? आप पे मुझे आ जाएगी, आ जाएगी। फाइव वॉचिंग मैम। बिल्कुल ठीक है नीतीश भैया। हेलो नीतीश को मैं दे देता हूँ ना इनविटेशन, मैंने दे दिया इनवाइट। हाँ बोलो नीतीश। हेलो हाँ बोलो भाई। हमारा मानना तो आपने चीटिंग किया स्ट्रीम में, हमें साफ दिख रहा है, आप बताओ। तो चीटिंग लग रही ना। तो चलो अरे एक मिनट नीतीश ब्रो, नीतीश सॉरी एक मिनट वेट करो। देखो मैं अपने तरफ से जज नहीं करूंगा, ठीक है? आपको मैंने और ग्रेसी ने भी अपना स्ट्रीम दिखाया है, ठीक है? हां ठीक है। जो पब्लिक का रिस्पांस होगा समझ रहे हो? अरे क्या पब्लिक का होगा ना, मुझे सुनो। हां क्योंकि वो तो उसका हैक होने से तो उसका क्रेडिट ज्यादा होने वाला था है ना। सुमित मंडल गाइस ग्रेसी मैम मेरे पास दो चैट आया है, मैम मेरे पास दो चैट आया है, ध्रुव का है चीटिंग का और सुमित मंडल कह रहा है हैशटैग 3 नंबर दे दो, सुमित मंडल नीतीश चीट किया है। हेलो मेरा सुनोगे? बोलो। जो अगला मैच हुआ था उसमें कितनी चीटिंग हुई थी बताओ, तुम खुद बताओ। अच्छा सब चीटिंग हुई थी, बिल्कुल ब्रो चीटिंग हुई थी, मैं बताता हूं अंकित की चीटिंग की, चीटिंग अंकित की करी थी मैं बता रहा हूं। एक मिनट तू बंदी चीटिंग कर रहा है ना, बंदे लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं फिर भी चीटिंग कर रहे हैं। मैं तो कुछ भी अपने फोन से खेल रहा हूं ओनली, ठीक है ये अंकित ना अंकित सामने हां अंकित अंकित हां अंकित है, मैं चेक कर दूं। मैं कई सारे बंदे स्ट्रीम स्नैपिंग करते हैं, मैं चीटिंग कभी नहीं खेलता हूं यार, तुम्हारा लग रहा है चीटिंग। एक काम करते हैं ग्रेसी मैम, एक काम करो, आपको आपके ऊपर जो सूटेबल लगे वो आप करो, ठीक है? अरे नहीं रहने उससे बात रही है ध्रुव की, जब उसने उसको नॉक किया तो उसने मेरे टीम में लोकेशन दी तुरंत मेरे को। अच्छा हाँ तभी ध्रुव
फ्यूजन तेरे को थोड़ा किक करता हूँ, वेट करिए। ठीक है ठीक है। उसको लेते हैं ध्रुव को, कहाँ गया ध्रुव? ऑफलाइन हो गया है, रूम में रूम में है वो, रूम में चला गया। चलो छोड़ो। हाँ उसका टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट छोड़ो। अंकित बोल भाई। ये कह रहा है चीटर, इससे बोल लो। क्यों बोल सुन लो। हाँ भाई सर बोलो। हाँ बोलो बेटे, बोलो कौन चीटर है, बोलो क्या बोलो कि अभी क्या कह रहे थे उससे भाई। बोल अरे होशियार, मैं क्या बोलूंगा। हाँ क्या है बस। अरे रहने दे, नोग्रास लगा के नहीं खेल रहा तू? नोग्रास नहीं था तेरे पास, जो था तेरे पास था साले बैट बॉडी, तेरे पास बैट बॉडी। भाग ले तो आजा, लड़ो मत, लड़ो मत। हाँ नहीं मैं इन्हीं के साथ होता ना, उसके ध्रुव के साथ था ना मैं। ना 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 मैं ये मैच में था, एक्सपेक्टेड कर रहा था, मैच में था ये। क्यों बंदा ऐसा ग्रास में मारा उसने, ग्रास ग्रास में मारा उसने। देने दे भाई तू। उपेंद्र नॉक नहीं होता उसको अब यार, मैं कह दूंगा नितेश तू कहेगा ऐसे कह रहा है। चलो कोई बात नहीं, दे दो पेमेंट कर। अरे कह दे, अरे भाई कह दे, कोई दिक्कत नहीं यार कहने में। नो ग्रास तो वो भी लगाता, उसके भी तो नो ग्रास लगा हुआ है, मुझे पता है सब लगाते हैं। किसका? मेरे को पता है किसका, बीएलवाई गैंग का। अच्छा वो नॉक किया था उसका, तो उसने उसको कुछ क्यों नहीं मारा ध्रुव को? अरे बोट है क्यों बजा रही है ज्यादा, मत बोल। वो बोट है। एक काम करो, इन दोनों को जो अमाउंट आपको सही लगे वैसे दे दो, और इसका ध्रुव का भी कुछ हक बनता है कुछ परसेंटेज, तो आप देख लो। मेरा कि मेरा ओपिनियन है कि इन दोनों को जो देना है वो आप अपने माइंड से दे दो, और नहीं तो कम से कम 25 रुपये तो बनता है उसका, बाकी आपके बच्चे ध्रुव का, बाकी आपको ठीक है। चलो ठीक है, आप लोग डन हो चुके जो भी है। हम तो पेटन चलाते हैं। ठीक है, आप अगर दिक्कत ना हो तो नंबर आप शेयर कर सकते हो चैट पे, अगर दिक्कत है तो। अरे पागल मैम को इंस्टा पे दिक्कत ही दिक्कत है, हमें नंबर सेंड करने के लिए। तो बस मैम को इंस्टा पे डीएम करता हूं। हां ठीक है ठीक है ठीक है, मैम को इंस्टा पे डीएम ठीक है। सुबह कर देंगे मेरे इसी के में कर दे, इसी के में कर दो, इन्हीं के में। नहीं नहीं ब्लैंकी से बात करके, बिना ऐसे नहीं। अरे इसी में कर दो, मैं हूं तो फ्रेंड है यार। अरे इसी के में कर दो भाई, ये मेरा हमारे यहां का ही है बंदे यार, इसी के में कर दो, इनको कुछ चलाता भी नहीं वैसे। वो है गया, वो तो गया मुझे लग रहा है, थिंक वो गया सोने गया गया वो। चलो गेम लगा लो फिर एक आध। बोल रहे थे रूम खेलेंगे आप लोग, अपने स्क्वाड लिखाइए अभी पीडीएम M24। हेलो ग्रेशन, हाँ मैं पता हूँ, अगर कोई मेरी तरफ देखेगा भी ना उसका बंदा लोकेशन दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने देखा था मैं उस करके पीछे हट गया हूँ पीछे की तरफ, और लिटरली मैंने उस पे एम किया था ना तो वो बिल्कुल दिख भी नहीं रहा था, और उसने बिल्कुल रिच के थोड़ा नीचे से मारा था मेरे को। अगर बंदा मारता है तो भाई ऊपर आके मारता है, वो तो खड़े होकर डायरेक्ट फायर करने लगा, एग्जैक्ट लोकेशन पता कहते थी बंदा मार्क जहाँ करेगा जहाँ मैं पहले था, फिर मैं उधर से सरक के पीछे आ गया हूँ तो वो डायरेक्ट फायर क्यों कर देगा ना, वहाँ खुद सोचने वाली बात है मैम। अगर आप बहुत बंदे सुनो, बहुत बंदे यही बोल रहे हैं, आप किसी से पूछ लियो वो कह रहा है भाई ये तो हैकर है कैसे मार गया तेरे को रिच पीछे से।
गेरी देख गेरी गेरी अरे अरे हेलो हेलो कस्टम खेलोगे कस्टम खेलोगे कस्टम खेलोगे ओके 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 ठीक है ठीक अगर खेलोगे तो लाइव स्ट्रीम में आके आईडी पासवर्ड दे ठीक है अभी हो जाएगा सर 5 मिनट में फटाफट आ जाना 5 मिनट में सीट फुल जाएगी तब फोन नंबर आपकी मर्जी आपकी है ठीक है ग्रेसी मैम जब मैंने उसको नॉक किया था ना ब्लाइकिंग को तो आप अगर स्ट्रीम में जाकर दोबारा से देख लेना मैं उससे करने के बाद पीछे हटाऊं रिच के और नीचे आ गया हूं जिधर से उसका एंगल ही नहीं बना अब नितेश को देखना डायरेक्ट खड़े होकर उसने मेरे हेड पे एकदम से एम लिया तो कैसे पता कि मेरी लोकेशन मार्क करता है बंदा जहां मैं शुरू में था मैं नीचे से रख के आया तब भी उसने कैसे मार दिया और उसकी जगह देखना वो रिच के ऊपर की साइड खड़ा था मैं पीछे था तब भी मार दिया मैम देख लो यार अपने नहीं उनको मारा मेरे को बिल्कुल विश्वास है पर मैं कैसे बताऊं मैं वो बंदा मेरे को देख ही नहीं पा रहा था मतलब वो देख रहा था मैं नहीं देख पा रहा उसे एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता बैकिंग के साथ मैं खेला हूं वो इतना भी वो नहीं है जानता कि वो मार के एकदम से लगा दे कि इधर है उधर है वो पहली बात तो बोलता ही नहीं है मैम हाय यार मैम ये तो डिस्क्वालीफाइड होना चाहिए यार हाँ अब बताओ ये देखो अरे ब्रोकन भाई सुनो मैंने ब्लैक किंग को नॉक करके ना तुम स्ट्रीम देख सकते हो मैं पीछे हटा हूँ और वो एकदम से लोकेशन जो बताएगा ना वो पहली वाली बताएगा जहाँ मैंने उसको नॉक किया था अब इसने एकदम से खड़े होकर एकदम से बिल्कुल पहली गोली मेरी बॉडी या हेड चुपकाई है मतलब एग्जैक्ट लोकेशन पता है और मैं डेथ रिप्ले दिखता है ना उसमें अरे भाई यही तो नो ग्रास वाला होगा तो यार तुम जानो यार मेरा तो भाई चीटिंग करके कोई फायदा नहीं होता गेम को गंदा करते हैं और कुछ नहीं होगा चलो कोई नहीं मर्जी है मैं खुद चौंक गया रोकन भाई पता है मैं खुद चौंक गया उधर से देखने के बाद मैं देख रहा था कि भाई ये बंदा मतलब एकदम मारा किधर से तो रिच के उसका सिर्फ हेड ही हेड चलता मेरे को वो भी उसके मारने के बाद में मेरे को और वो नीचे से मारा उसने चलो चलो जो हुआ से हुआ अब सुन ले पता है मेरे दोस्त के अभी फोन आ रहे थे ये कह रहा है भाई ये तेरे को कवर में कैसे मार दिया मतलब ये तो हैकर की टीम है मैंने कह रहा क्या करा जाए चल नो ग्रास वाला है कैंप पे अरे माइक खोल ले प्लीज नो कर दे भाई मैम ब्लैक खेला हूँ यार क्या है आपके वैसे यार मैं चीटिंग करने वालों को डिस्क्वालीफाई करा जाता है यार हम रूल बनाया करो यार चीज के लिए एक सेकेंड ब्रोकन भाई यार अलग से रूल बनना चाहिए यार मतलब ऐसे तो अगर मैंने कर लिया एम बॉट वाला या फिर नो रिकॉल वाला फिर मैं तो मार दूंगा फिर मैं क्या करूं फिर दूसरे बंदे अगर मेरे को कहेंगे तो मैं तो कहूंगा कि नहीं भाई मैंने कुछ नहीं किया अरे छोड़ो ना तो नहीं बट आगे या मैं चलो आज जो हुआ था हुआ चलो कुछ तो सीख मिला हमें भी हाँ चलो ठीक है बिल्कुल सही हाँ। ये बात सुनो मेरी बात ये बात गलत नहीं है कि गेम खेलो तो सीधी सिंपल तरीके से खेलो ना भाई चीट करके क्या मजा है देखो सुनो अब ग्रेसी ने इससे 100 बात की एक बात बोल दी वो आपकी हितायत है या आपकी बातें हैं जो आप सामने वाले को बताना चाहते हो ये बात ठीक है बट ग्रेसी मैम अपने बात पे कह रही है मैंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया था भले ही कोई भी होता मुझे करना पड़ता इन ये मैडम का जवाब है तो इस बात से इस स्ट्रीम की बात यहीं पे क्लोज होती है
बाकी की जो आगे की जो बात है वो हम बात ऑफलाइन में बात कर लेंगे, ठीक है? सही बात है, ठीक है? तो बात क्लोज करो, ग्रेस मैम जो कर रही है करने दो। चलो नीतीश ब्रो, आप मैडम को डीएम कर दो, ठीक है? और मैं और भी बंदे से बातचीत है, किसको स्क्रीनशॉट मार लो और नंबर ब्लर करके, और इंस्टा पे डाल देना। वो भी है क्या ब्लैकिंग? वही तो, क्या मैम नंबर लो, सुनो मैं लिख के दे देता हूँ आपको। अबे शेयर प्रश्न मतलब देख ले, पब्लिक हो सकती है तो। या बिल्कुल राइट, बिकॉज हमने कह दिया इंस्टा पे डीएम कर सकते हो आप। हाँ मैंने भेज दिया, कोई बात नहीं, मैंने अभी आपको चैट में लिख के भेज दिया, आप शील्ड मोड लगा के देख सकती हैं। नहीं हो सकता, शील्ड मोड हमारे में एक्टिवेट नहीं है क्योंकि हमारे में पेड वर्जन नहीं है ना। दो स्क्रीनशॉट मार देना, ये माइक क्यों ऑफ कर दिया? आई है, मैंने इसने चैट में लिख के भेजा। अरे ये वाला गेम सब्सक्राइबर कम आया, जो बात है इस मैम पे व्यू कितने आ रहे थे मैम आपके? अच्छी बात है, जो भी वॉच कर रहे हैं के चैनल पे सबको कहना चाहूंगा मैम को ऐसे ही सपोर्ट करो, मैम ऐसे भी टूर्नामेंट लाते रहेंगे। मैम क्या बोलते हो आप इन मैटर में? आज 200 का हुआ तो क्या हुआ, कल 500 का भी हो सकता है। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो गाइस 1K 10K तक का भी हो सकता है, और आगे शायद पीसी गिवे मॉनिटर वगैरह गिवे हो सकता है। अमाउंट कितना पे किया वो तो बता दो, हम इसको कितना मैम जीएसटी लगाओ मैम जीएसटी चार्ज अच्छा ठीक है। तो नीतीश ब्रो इसी बात में माइक ऑन करके बताओ यार, मिला या नहीं मिला यार, हमारे व्यूअर्स को पता तो चला। आप माइक ऑफ कर रखो यार, माइक ऑन कर बताओ यार कम से कम। हाँ क्योंकि यार हम लोग आप लोगों से प्यार मोहब्बत के लिए हम सब इतना करते हैं। हेलो मैम, हेलो हम लोग मैम थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक मैम। सुनो मैम आप बहुत बड़ी दिल वाली हो यार, आपका दिल बहुत बड़ा है, एरंगल से भी ज्यादा बड़ा। एरंगल मीरामार से छोटा है? नहीं यार वो दोनों में बराबर है ना, एरंगल से ही बड़ा। ओके मैम मिल गया, ठीक है? ओके ब्रो, ओके ओके मिल गया ब्रो, ऐसे ही सपोर्ट करो ठीक है ठीक है।
नहीं मिलेगा सुनने के लिए एंड में सोलो मैन पावर ही रह जाता है यार क्या करूं भाई मिल अबे ते ये यार तू सॉरी भाई दे सकता था क्यों नहीं दिया सॉरी भाई तुमने देखा था मैंने वॉच किया था हां अरे मॉली डाल दी भाई तुमने ने मॉली डाली तो वो तो गेट के बाहर था ना तो उसको रिवाइव दे सकता था इजीली नहीं नहीं मेरे को भी आ गई मॉली उसको भी आ गई मेरी तो 1 एचपी बची थी मैं भी मर जाता अगर हेल्थ नहीं लगाता अब तुमने देखा मैंने फ्यूजन का 1v2 करा देखा मैंने वो पिट गया गलत से मैं पता है अपनी स्ट्रीम जाऊंगा दो दो बार देखूंगा ग्रेसी मैम के पे भी और तुम्हारे पे भी और देखूंगा मैंने कैसे कैसे क्या करा ब्रोकन भाई मैं ना हर गेम प्ले से गलतियां सुधार रहा हूं कि मैं क्या नहीं करना चाहिए मतलब कैसे खेलना चाहिए इस वजह से खत्म टाटा बिल्कुल सही और ध्यान रहे आगे ऐसे ऐसे यार आप लोग सपोर्ट करो ग्रेसी मैम को भी और ये नहीं कि आप सिर्फ लेते रहो यार चैनल है आप लोगों का भी चैनल है तो कुछ देने का भी कष्ट करना वो पैसा हम घर लेके नहीं जाने वाले गाइस सबके पैसे आपके पैसे यहीं पे आपको देके जाएंगे और प्लस हम अपना इंक्लूड करते हैं गाइस तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे बात अरे ब्रोकन भाई दो टूर्नामेंट नॉर्मली चलते रहेंगे ग्रेसी के चैनल पर मेरे चैनल पर आपको एवरी संडे शाम को मिल जाएंगे और ग्रेसी मैम के जैसे 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते ही मैम राइट मैम आई एम राइट आप अपने मुंह से कह सकती हो थोड़ा बोलना एवरी 50 सब्सक्राइबर खुल के बोलो ना मैम ऐसे क्या हुआ आई एम राइट बट व्हाट आई एम राइट तो क्या बोलते हो गाइस 3 की वॉचिंग चल रही है जिसने भी ग्रेसी मैम के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और अपने चैनल पे भी विजिट करो गाइस भाई ब्रोकन भाई वो नहीं है आर्मी शिवम वो आया था मेरे पास कह रहा अरे यार वो ग्रेसी मैम का चैनल ना मिल रहा यार जल्दी आ दे तो पता है उसने स्पेलिंग क्या डाली यूट्यूब पे GRACY की पता है ई CY की जगह CE डाल दी ग्रेसी हां पता है मुझे भाई और मैंने फिर मेरे पास आया मैंने की ले फिर करा तब जाके उसने मैंने की पहले सब्सक्राइब कर ये लाइव पे मत देख पहले सब्सक्राइब करो बेल आइकन ऑल ओके और गाइस नितिश ब्रो आपका हो चुका अब थोड़ा बाद में खेलेंगे आपके साथ योजना अंकित वगैरह वेट कर रहे हैं उनसे भी बात कर लेते हैं ठीक है नितिश ब्रो अरे ब्रोकन भाई अन्नू मैम का तो चेहरा देख लिया भाई तुम्हारा और देखना अन्नू मैम का चेहरा कहाँ देख लिया भाई अरे तुम्हें कहा पेटीएम में पेटीएम में चील की निगाह है हमारी पेटीएम में क्या अरे चील की निगाह बस अब देख लिया हमने मैम कहाँ कैसे देख लिया इसने तुमको क्या पता कि नहीं देखेंगे तुमको क्या पता नहीं देखेंगे अरे अरे मेरा चेहरा देख लेता कुछ दिन पहले तो देख लेता पता मैंने कैसे देखा था जब तुम मेरे से मिले थे ना वो स्ट्रीम हो रही थी और जब मैंने चिकन मारा था तो मैम ने लिखा था हैशटैग याद है ना ग्रेसी मैम याद है जब पहले ब्रोकन भाई का टूर्नामेंट जो हुआ था फिर वो आधा रूम करवाते थे तो अरे मैम आपने क्या किया तो वहाँ आपका फोटो था क्या चीज नंबर पब्लिक हुआ है डिलीट आपका मैसेज डिलीट हो चुका है मैसेज डिलीट हो चुका है मैम हैं चलो फ्यूजन ब्रो ऐसे ही सपोर्ट करो यार ना ना मुझे मत करो
ना ना भाई डोनेशन में रख लो जो देना था। ठीक टांगे ब्रो पढ़ा लो वो है भाई साहब भाई। वो बंदा टीम अप कर रहा था तो मैं सोच रहा था ये मेरा दे वो यार निशम और फिर मैं एक्ट्रिक्स मेरे पे बार बार बोल दे रहा था फायर मैंने उसको किया ना जब उसने फायर दिया मैं कि यार समझ गया अरे वो तो हर्षद था हर्षद था हर्षद था मैं समझ गया फिर ये नहीं है वो टीम अप क्यों कर रहा था भाई मेरे को मैंने देखी आपने देखा था मैंने भी देखा था मैंने भी एक्सपेक्टेड किया था हाँ मैंने एक्सप्लेन किया वहां पे और फिर बाहर से टीम एट ने शायद उसको समझा मेरी क्योंकि हम दोनों साथ पास में ही थे ना पूरा पूरा मैच में हाँ तुम्हारी क्यों आ रही थी ब्रेक मैम की लाइव तो मैम फिर तो आपकी आवाज आनी चाहिए मेरे पास तो आई क्यों नहीं कोई गिले छोड़ माइक ऑन ग्लिच हो गया होगा शायद अच्छा मेरे आज मेरे कहने पे आए थे वहाँ पे क्या मिस्टर राज पे मिस्टर राज को वॉच करने या आप मेरे से पहले वॉच कर रहे थे अच्छा वो सोलो था हाँ अंकित भाई ने मेरे को खास कैसी जगह उतारा मेरे को खुद नहीं समझ में आया गाड़ी लेके गए गाड़ी पलट दी फिर पता है एक गाड़ी साइकिल वाला आया बड़ी तेज उधर लूटते जिधर हम थे पीछे वाले बंदे को बड़ा गंदा गिराया वो कह रहा है रैंडम के साथ खेला रे वो बात ही नहीं सुनते साले तो रैंडम के साथ खेला तेरा दोस्त कहां गया साले एक मिनट रावण को बुलाते हैं एक मिनट रुकने मैं बुलाता हूं रावण से बात करता हूं कृषि का तो इस रूम में तो अच्छा बंदा है रे 57 मैं तो कोई किसी को तो लिंक दिया है तीन चार को तो लिंक दिया है वो भी आ गया ब्रोकन तो अच्छा हुआ मैं तो देखा नहीं था कि मरने के बाद 57 सब्सक्राइबर 57 ही बंदा आया भाई उसको मैंने मारा था रे ये कैप से डॉक्टर को बोले से फिनिश किए मोरी रहा आईडी तूने नहीं बना ली गई क्यों नहीं आईडी नहीं भाई मेरे से मेरे पे ऐड नहीं था अच्छा फ्यूजन मैट्रिक्स आजकल जलवा क्यों नहीं दिखा रहा भाई क्यों नहीं दिखा पा रहा बात करना उससे क्योंकि वो कड्डी बस तरह हो रहा है ना लो हो गया ये तो आसे भी भाई मेरे से एम रुक जा वो लोग मेथिस लोग कैसे मर रहे तो मर के ना मेरे को दिखाई दे रहा है मैं तो लग वो मेरा गलती से हो गया जब मैं विंडो पे आया तेरे मेरा लैग हो गया मैं पीछे हट ही नहीं पाया पता नहीं क्या हो गया क्या हटेगा मेरे स्क्रिप्ट से तुम हट सकते हैं क्या मैं ओपन से आ रहा हूँ इसलिए सोच रहा है ओपन से आ रहा हूँ इसलिए सोच रहा है बार तू ओपन से आ रहा था मैं अगला फेल दूं यार तुझे वो साला छूट गया एक गेम में 4x मारा दो तीन हेड मारा नॉक
अरे वो यार सही गाने ऐसा गाने तुम तो ध्रुव ने, अरे ध्रुव यार अपने चलाता है, मैं उसको पहले से कह रहा था, मैंने कहा भाई रिच पे चलना है, बेनिफिट मिलेगा, बन जाएंगे ना करेंगे ना, घर में रुकना, घर में रुकना हम लोग का पास गाड़ी होने से बात कर, अरे अपने चलाता है यार, रैंडम के साथ खेला है ना साले, बंदा बातें नहीं सुन, हम अकेला खेले करूंगा, अकेला खेलने से अच्छा हेलो मैम आप भी हर संडे कराओगे क्या? ओह अच्छा सही है, बढ़िया ठीक है, थोड़ा जल्दी करा देगा मैम, 150 फिर उसके बाद 200, सुनो उसके बाद में 150 फिर 200 फिर 250 फिर 300 फिर 450 ऐसा करते हैं ना, थोड़ा जल्दी कराएगा तो मेरा अभी फाउंडेशन ये तो सब लिंक दिया है, तो जो आया तो मैम क्या चुल्लू रही है, मेरे को चुल्लू रही है, मैं जाऊंगा स्ट्रीम पे और देखूंगा पूरी स्ट्रीम दोनों की साइड, अरे देखूंगा कमेंट्री तुम्हारी, कमेंट्री देखूंगा मैम तुम्हारी, चलो फिर मैं चलता हूँ, ठीक है भाई, गुड नाइट, ऐसे ऐसे टूर्नामेंट कराते रहो और हमें जिताते रहो, सही बात है, चलो फिर ठीक है मैम, बाय। इरंगल खेल रहे क्या? हम्म, ब्रोकन कार कितना कम की हुआ रे, कंप्लीट थे तुम लोग कितना है? क्या 39 चलो लगाओ, अरीना लगाओ अच्छा, हाँ बिल्कुल सही, एक घंटा पैक्स, 2 घंटे पूरे हो गए क्या मैम इस स्ट्रीम टूर्नामेंट, एक टूर्नामेंट में 2 घंटे लग गए, तो लेट किया ना, आधा घंटे कैसे लेट कर दिया, ओके एक आधे घंटे का मैच और आधे घंटे का मैक्स, मैं भेज देखने का मित्र पागल, मैं सोच रहा हूं गेम पे लेट क्यों हो रहा है रे, कितना बार ये गुस्सा है, अरे कृष्ण मैम आप कहां थे मुझे तो ये नहीं पता चला, बाद आई डोंट नो, अरिना का ना रन में मैम 4 की वॉचिंग चल रही है, बताओ अपने 67 लोगों को, बोलो यार संजय को हमारे चैनल पे टूर्नामेंट है, ओपन दिस चैट गाइस, जो मेरे को रैंडम में मिला था ना ब्रोकन, उसका यूट्यूब से मेरे व्हाट्सएप नंबर लिया था, उसका यूट्यूब चैनल था लिमिट का, बोला क्या बोला, यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब करने के लिए बोला था, मेरा नंबर ले लिया, उसका भी व्हाट्सएप चैनल है, ओ यूट्यूब चैनल है, ये तो पहले ब्लॉक हो गया था रे, क्या
पहले उतरने से तभी नॉक हो गया था। There's an ambush. Play it safe. अरे भाई मतलब काफी गेम प्ले अच्छा था यार। गौरव को मैं देख भी नहीं पाया। गौरव कैसे फिनिश हुआ? अरे मतलब मैं पहले उतर गया ना सालिल को, एक बंदा उतर गया था उसको स्क्रीन में किया, मेरे को रश कर दिया यार प्लेन के अंग्रेजी। मेरे को प्लेन पाथ भी नहीं दिखाई दिया पता आपको? मेरे को प्लेन पाथ मैंने भी यार कसम मैंने भी नहीं देख पाया गौरव को बता। गौरव हमें हम पे चिल्लाएगा। मैं और नीतीश हरिंदा हॉल में बात कर रहा था इसने से पहले, बोल रहे अभी तक इस तरह देखा था गिरीश क्या कर रहा है इस तरह। अच्छा फोन पे? हाँ जब ग्रुप में मैंने फोटो डाल दी सबको कि टाइमिंग सारा आ अच्छा आप सेटिस्फाई हो? अगर गिरीश आपके पास पैसे ही पैसे तो आप रोज टूर्नामेंट करते हो राइट? तो भाई कल तो हम लोग दूसरा दूसरा टूर्नामेंट में गया रे 5000 का 10000 का क्या खतरनाक बंदा आया 5KD का 6KD का बंदा आया मतलब कमीने। मेरे को तो गाली देने का मतलब दूसरे के चैनल पे जाके पेड़ गेम खेलेगा ठीक है और अपने चैनल पे 5 रुपए नहीं दिया जाता रे जा कमीने जा। अरे कोई सामने नहीं दिया ना किसने दिया? तो जो टूर्नामेंट कराए ना वही 5000 का 10000 का था। मैट्रिक्स देख मतलब अच्छा है अच्छा खासा वो लोग का सब्सक्राइबर है मुंबई बंदा पुलिस कोर्ट बाकी नहीं दस से भागो आ चुका बंदा है। नीचे वाली बिल्डिंग साइड वाली लूट लो। अबे गाड़ी भी आई है हमारे पास गन ही नहीं है मेरे तो इजी मिला मुझे तो पिस्टल तक नहीं दिखा अब तक। I got supplies. अरे मेरे पे बंदा आया मारो पर नीचे बंदा है ना ऊपर नीचे बढ़िया यार मेरे भाई डैमेज तो दिया मैंने। अपार्टमेंट से भाग गया शायद गाड़ी लेके गया है। गाड़ी हम कर विजन जी बड़ी वाली बिल्डिंग में रुको मेरे को डिस्क्रिप्शन नहीं नहीं है सर नहीं है उनको लूट नहीं मिली ना। मैं देख रहा हूं इसको वगैरह मिला है क्या? मेरे पास है 4x। वॉच आउट दे दो और एक दे दो मैं पार्क में दे रहा हूं। गन दे देना पैसा यूजर एक एम ये कैम तो भाई दोनों पर एक कौन सा हैक यूज कर रहे हैं? ये टेक्स्ट लो आई डोंट नो कौन सा हैक यूज कर रहा है पर गलत बंदा हैक यूज कर रहा है।
भाई क्या ही डैमेज कर दी मेरे को, देखो ना नो रिक्वायर यूज कर रहा बंदा। कोई नहीं बोलता, आपने तो फोर की वॉचिंग कर दी। मैं रोनान के मुले कहाँ पे फाइट के मुंह देखा था? मोपी मैन 58 सब्स आपके 58। अरे इधर M4 है ब्रोकन भाई। कहाँ? I got supplies. अरे नीचे का तुम लोग का नीचे ही था, कोई नहीं देखा। तरा ले लो, हेलो तरा लो, हेलो ना। बच गया मैं, बच गया बच गया बच गया। जल्दी जल्दी मैं कवर में हूँ, जल्दी उठा भाई। क्या ही डैमेज प्रोटो में मुझे भाई, क्या ही गंदा मारा यार। अरे हैकर हैकर चले लोग के हैकर मादर यार गाली हैकर। अरे हैकर है ये क्या तू? हाँ इसको जो हैकर है नीचे से हमारा, गाड़ी के नीचे से, गाड़ी के नीचे से भाई। फिर भी पड़ेगा, स्मोक का कोई फायदा नहीं, स्मोक भी मार रहा है वो। अभी मैं मारेगा ना ऊपर वाला बिल्डिंग में। चलो आ गया बंदा ऊपर वाला बिल्डिंग में। हैकर है भाई, हैकर है। ऊपर वाला बिल्डिंग में आओ, ऊपर वाला बिल्डिंग में आओ ना। अरे ऊपर वाला बिल्डिंग चेयर पे होल्ड करना है। ओपन दिस चैट गाइस सी। देखो ये देखो बैरल ने क्या है, इसको देख चल के पिक देने। स्कैल सेक्शन है नोके इसको, ये चैनल में कहां है? ओपी 0.993 KD और ये फंस गया यहां पे। मैं को नक करने की कोशिश करता हूं। रैंक पुशर गाइस, दो की वॉच है चैनल। लव यू, लव यू गाइस, लव यू, love you to all guys. Not a problem. कैसे मारोगे इसे? अरे मेरे वाले में बैरल था, इसे बैरल ले लेते ना। मैं तो बैरल वापस नहीं आ गया। बचना नाम मुमकिन था। Not a problem. ज्यादा मंडी में बाहर निकल गए। सी गई अच्छा बच गए, मुझे बच्ची गए। दिन दहाड़े मौत कर रहे हो आप हैं? आपके स्ट्रीम के आपसे एक मिनट पहले मैंने स्ट्रीम स्टार्ट किया। ग्रेसी आपने क्या क्या लिखा है? ग्रेसी आपने डिस्क्रिप्शन में सपोर्टर हो तो फेस कैम के लिए सपोर्ट करें, डोनेशन करें। डिवाइस रियलमी ये तो ठीक है, ऑमलेट आर के गेम में पॉपुलैरिटी ठीक है। गेम में पॉपुलैरिटी इन पबजी मोबाइल क्या?
हाइड मत दो, तुम वाला बंदा को देखो, मैं इधर पीछे वाले को देख रहा हूं। आपने फिर बीच में ये आपने ऐड कर दिया, डोनेट डोनेटेड मी ओनली टू गूगल पे। अबे क्यों इतना लॉन्ग रेंज मार रहा है? गाड़ी से आगे, गाड़ी से आगे मार रहा है। मौली इधर रुको, इधर तुम पे गाड़ी भी आई। अरे क्यों बैठ जाओ, ब्रिज पे गया, ब्रिज से नीचे ब्रिज पे आ रहा है, ब्रिज निकलो यहाँ से, अंदर कुछ अंदर जाओ, अंदर ऊपर से भूत बना देगा आपको मार मार के। बिल्कुल राइट मैम, बिल्कुल राइट। इसको तो अरीना खेलते हैं, मैच फिनिश करते हैं, ठीक है गाइस? मैम का एक्सप्लेनेशन, मैम का एक्सप्लेनेशन है मैम। मुझे बातों के साथ अपने मैम अंदर देखा मुझे निकलो यहाँ से फिर। नहीं नहीं रुको, मैं बकन ओपन दिस चैट। अरे एमओ उठाने के लिए, एमओ एमओ नहीं बंदा नहीं खेलता ना, कान में लीड नहीं होगा, ऐसे होगा लोगों की हद हुई है मेरी हद हुई है, पहले बताओ। लोग से एक से अनेक लोगों कहाँ पे बंदा देखा है मुझे? ऐसे आप 1v4 करके दिखाओ। फाइट होने दो, दिखाएगा ना। अरे बंदा ही नहीं आ रहा सर, तो मारो ना। अभी टूर्नामेंट हुआ था, अभी टूर्नामेंट हुआ था। वीडियो ऑफ कॉस्ट आओ। अरे कोई आ जा पैट लेने के लिए हम लोग से। तुम चले जाओ ना, वो नहीं आ रहा तुम चले जाओ। गाड़ी नहीं है ना, पैदल से जाएगा क्या? टोटल मिला के आपको फुल टू फन मिलने वाला है ऑन स्ट्रीम। सब्सक्राइबर कम है पर कोशिश पूरी है। चलो ब्रेस इधर से निकलते, कुछ नहीं है इतना। गाइस दो की वॉचिंग चल रही है यार। ओपन दिस एड गाइस, जो भी तुम लेट नाइट में मेरी स्ट्रीम देख रहे हैं यार, उसको दिल से शुक्रिया। ये करना चाहिए अगर इसे आपको, बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। इधर में ग्लिच है, अरे इधर में देखना चाहिए था, टेस्ट कर। ग्लिच बता दे, ग्लिच को ग्लिच बता। नहीं अपार्टमेंट का दरवाजा वाला,
क्या है पानी में घुस जाएगा लगा मैं तो लाठी वाठी ले लो तो अंदर हुआ शायद अंदर शायद क्यों अदरक वाली नहीं बनाओगे बिल्कुल सही बोला आपने क्या कर दो किसी फाइट लो फाइट ओपन दिस चैट बेबी बंदे 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 बंदी 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 हैं मैम बंदे नॉलेज का यूज करते हो बिल्कुल नहीं जा रही स्कोप आपने एकदम वो कर रखा है पहले ही डाउन हो गया तेरा ऑपरेटर के भेजोगे तब पहुंचेगी आप कौन कौन सा आपके पास कॉम्बो है नॉक और देसी यूजी और अरे भाई उसको कोई गन दे लाओ कहां से मार रहा है मेरे को बारह मार्क द लोकेशन इसे भागिए भाई आया बंदा हेल्थ है ग्रेसी हेल्थ पहले हेल्थ हेल्थ लगाओ रुके 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 नेट आएगा ग्रेसी नेट आएगा नेट आएगा स्टेयर पे जाओ स्टेयर पे जाके बैठ जाओ नेट आएगा बैठ जाओ और बैंडेज बैंडेज लगा लो अरे पिंक कौन लगाओ ड्रिंक रिंक अभी बैरल करना पड़ेगा रे दे देने ड्रिंक इसको एक आधे ओपन दिस चैट होने वाला है आगे फ्यूजन देखो कितना आगे जा रहा आप भी तो आगे सामने सामने रहो आप ऊपर रुको इधर रुको इधर रुको इधर रुको ये गाड़ी लगा दिया मत फेंक मत फेंक राइट साइड में वॉल पे फेंक वॉल राइट साइड में वॉल के पास
नहीं तेरा गिर जी नीचे ओपी गिर जी वो गंदो एक हेलो गिर जी आपके हाथ में किल आया अरे नहीं आया मैंने हेल्थ लगाओ हेल्थ लो हेल्थ लगाओ हेल्थ वन एचपी है ग्रेस को मारने वाला था रे वन एचपी में लग बैठ गई अरे एम फोर के एम ही नहीं लेके आया बंदा क्या बंदा यार तो गरीब आया था ओपन दिस चैट आपको मिल गया ना नहीं मिला तो प्रोसेस ही ले लो वो भाई जान तो मतलब चल वो भाई गाड़ी भी नहीं वो बंदा का गाड़ी था आज रासिया है यार दो घंटे तो हो गए किसी एक अरेना खेलेंगे इसके बाद निकलते हैं ठीक है मार्क लोकेशन आज मेरे साथ स्कैम हो गया सामने भी बंद स्कैम होगा आपके साथ इसे कहते हैं कती हाईवे ड्राइवर गाड़ी ग्रेसी गाड़ी ले लेते हैं जोन में जाना है ग्रेसी गाड़ी लेके जोन में जाओ ना नहीं 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 ग्रेसी गाड़ी लो लेफ्ट से भी गाड़ी कर लो लेफ्ट से भी गाड़ी भी देखो दो नॉक डाला एक बंदा इसका राइट से था थर्ड पार्टी थी फिनिश अगर जी टीम में तो चेक करो ना किल कितने हैं पांच ही तो किल है इसे नॉक करके छोड़ देता होगा आपके लिए एग्जिट करो तीन सौ सत्तर अरीना 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 अरे तुम लोग अरीना खेलो मैं खेल रहा हूँ जैसे ठीक चलो ठीक है जा बाय बाय गुड नाइट हमारे पास बंदे बहुत है निकल ब्रो रॉकस्टार ब्रो कैसे हो फर्स्ट टाइम बढ़िया फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ आपके साथ बढ़िया बढ़िया शानदार ओके ब्रो ब्रो संडे को भी टूर्नामेंट है तो बिल्कुल मिस मत करना आप लोग चले ओके और जितने भी आपके पास बंदे हो उनको बोल देना कि संडे को टूर्नामेंट है तो मिस ना करें आ जाए ओके अरीना लगाते हैं ब्रो अभी अरीना लगाता हूँ इस बार हाँ वो वाला नया वाला लगा नया वाला कौन सा आया है मेरे को लीडर बनाओ हाँ अच्छी तो गेम प्ले है रॉकस्टार को बनाना था ना लीडर तो रॉकस्टार गिव मी द इंटेंशन आपको या इंस्टा पे सर्च करो ब्रोकन वाइटी 2.0 तो वैसे ही मिल जाएगा।
और ये ग्रेसी। अरे ग्रेसी हाँ ब्रो मैं भी हूँ इंस्टा पे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ग्रेसी फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ मैं तो। अरे ये वाला लगा रहे यार खाली तो। कौन सा रहा? अरे ना वो लगा नहीं ना वो हाउस वाला। मतलब यही पर अपन पे गेंद रहते हैं ना ऑलरेडी वो वाला। टीम मैच लेट्स गो। यस मी टू। अच्छा है ये मैच बहुत बार। कब से आए? काउंटर स्ट्राइक खेलेगा। The blue team has scored for the first time. लोकेशन अब दिखने लगा, धीरे धीरे दिखने लगा। ओ भाई क्या ही स्पीड हो रहा है, ऊपर से बंदा छोटा दे रहा है। अरे ना ऊपर पीछे रहो। हेलो हेलो पीछे रहो। मार्क द लोकेशन। फ्लैंक लेफ्ट। अरे ब्रोकन बचा ओ भाई ब्रोकन। मैं तो फिर मैं खुद पिट गया। हां मेरे को बिल्कुल नहीं दिख रहा है भाई। लोकेशन नए नए है ना देख। वॉच आउट मार्क द लोकेशन। ओ भाई सांप क्वीन वाइटी। किलिंग स्प्री फॉर द रेड टीम। अबे मैं फंस गया, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, अंधेरा हो गया। Watch out! Oh bhai, haan. Piche piche ro, piche ro, sorry. Piche ro. Number 2. Be careful! You're losing the game! Team doesn't have a lot of time left. Arre aage mat jao, peeche aage mat jao, koi aage mat jao, peeche ho peeche ho. मेरे पास मेरे सबसे गंदा है, सबसे गंदा। अरे ब्रो मेरे को खुद नहीं, मतलब नया नया मुझे मैप लगा इसलिए समझ नहीं आया। बिल्कुल
Hello Broken, where are you live? I am from Delhi, bro. I am also. Where are you Delhi? I am living in Palghar, Mumbai. तो आप मुंबई, आप अभी तो कह रहे थे दिल्ली, ऐसे मजा ले रहे थे। तेरी मजे लेने में बहुत मजा आता है मेरे को। रेडी कर ना। अच्छा सुनो, एक और अरेना खेलेंगे इसके बाद। ये मैप में तुम कहाँ से ले आया यार, मुझे भी बताओ। अरे उसी में है क्या? अरे सिलेक्ट मोड पे जाने के बाद अरेना पे और हैंगर और इन्वेंटरी आता है ना उस उधर, तेरे को समझ में आएगा। चलो मैं देख लूंगा बाद में, चलो लगाओ। ग्रेसी का नाम क्या है? ग्रेसी, इसमें लड़की बहुत आ रही है, क्या बात है। पिछले मैच में भी लड़की, इस मैच में भी लड़की। क्या लगा है? लिया तेरा आप ब्रोकन, तेरा नाम क्या है पूरा, मतलब सुनील कुमार, सुनील कुमार। और ग्रेसी का नाम क्या है? ग्रेसी का नाम, ग्रेसी बताना चाहिए तो बता सकते हैं, वैसे मुझे नहीं पता ग्रेसी का। टीम मैच लेट्स गो। क्योंकि बिकॉज़ आई एम कैथलिक। Team has scored for the first time. The red team is unstoppable. Number two, sorry, bro. अरे अरे मार नंबर थ्री। मेरे साथ स्कैम हो गया, पसीने वाला काम शुरू कर दिया। ऊपर है, ऊपर है। कैसे मारा भाई पता नहीं चला। हम लोग आगे जाकर रस्ते से गलती कर रहे भाई, आगे बिल्कुल मत जाओ। Watch out! Killing spree for the red team. हम लोग आगे जाते हैं, वो पीट रहे हैं दबा के। Player reloading. Hey, खत्म, खत्म। मेरे को blind किसने कर दिया? मेरी आई पूरी ले गया। सॉरी यार, फोन आ गया था मेरा, फोन फोन फोन। ओहो, अरे यार क्या हो रहा है मेरे को, मेरे साथ तो चाल के खेल रहा है। The red team is in the lead. ऐसे होता है, ऐसा लग रहा है। मेरे तो 144 की पिंग आ रही है, कभी 476 ऐसे जा रहा है पता नहीं क्यों भाई। क्या ही बंदा है, बंदा है भाई, नहीं पता नहीं लोग नॉलेज को है। रीलोडिंग नहीं, नहीं लॉन्ग फाइट में ना। Spree for the red team. Legendary, आपका भाई भी था गेम प्ले में? एक कस्टम आपका भाई भी था क्या? Watch out. एक कस्टम था ब्रो आज। बताया नहीं यार। क्या हुआ? बताया नहीं मेरे को किसी ने। ट्रेड कस्टम था जो
नहीं यार फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जो अगर जिसका मन है वो चाहे तो दे सकता है। हाँ तुम्हें तुम्हें पता ही है फ्री में तो कोई देना तो देता तो है नहीं सिर्फ। अरे ये नहीं रहे मतलब और विनिंग अमाउंट कुछ था क्या? जीरो 200 हाँ क्या गाइस मेरा तो वो बहुत मैं मतलब ये वाला लीक कर रहा हूं ना। यू आर अबाउट टू विन द ब्लू टीम इज अबाउट टू विन। मेरा मतलब कहीं इशू बहुत ज्यादा था। अरे तुम्हारा वो तुम्हारा कोई दोस्त है क्या इवान? किलिंग स्प्री फॉर द ब्लू टीम। कौन है? ए ब्रो जीताओ। ए पीछे रहो पीछे रहो, मैं जीतवा दूंगा पीछे रहो। किलिंग स्प्री फॉर द रेड टीम विक्ट्री। ओपी ओपी गाइस इस बार लगाते इसी बात पे स्ट्रीम करते हैं क्लोज। और अब हम अरे गाइस आई हैव ऐसा है क्या? ए ग्रेस ओके गाइस स्ट्रीम क्लोज करते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय टाटा सी यू। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह।